बेसिकली ऐसे गेम चलती होगी। होगा ये कि एक आपके पास एक बॉल होगी, देखो नजर आ रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, बेसिकली यू हैव अ बॉल और बॉल का एक कलर है, और सॉरी ये स्टार्ट हो रही है, और ये गेम है बेसिकली। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये कलर स्विच होता जाएगा और फिर ये जो भी कलर होता जाएगा उसमें से हम गो थ्रू करते जाएंगे। अगर उस कलर से आप अटैच नहीं होंगे तो गेम ओवर हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपको पता है, सपोज हमने ये गेम खेली है, मैंने आपको उसका लिंक भी भेज दिया था, ठीक है ना। अगर सेम कलर से आप गो थ्रू करेंगे तो आप पास थ्रू हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह वो लेवल ऊपर जाते रहता है, आप जितने भी लेवल बनाना चाहें तो आप लेवल बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बेसिकली एक 2D गेम बना रहे हैं, और यहाँ पे हम ये यूनिटी का आप खुलेगा, इस वक्त आपको यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। आपने बेसिकली करना क्या है, न्यू गेम सेलेक्ट करनी है, और न्यू गेम में आपको ये ऑप्शन आ रही होती है, आपने सेलेक्ट करनी है 2D गेम, ठीक है। 2D के बाद, अच्छा यहाँ पर आप स्टोरेज का नाम रखें, लेट से इसका हम क्या नाम रखें, कलर स्विच लेक्चर 1, ठीक है, बल्कि नहीं, यूनिटी बिगेंस, कलर स्विच रेप्लिका, रेप्लिका, ठीक है, ये हमने बनाना है, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली दैट, बट आई विल गो टू गिव यू ए उसका यानी कि ग्राउंड अप दूंगा, उसके बाद आप इसको जितना मर्जी अच्छा बनाना हो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आगे, और ये अब थोड़ी देर लेगा इसकी इनिशियलाइजेशन वगैरह में, तो वो इसे करने देते हैं। अच्छा, कुछ थोड़ी सी बातें आपको बता दूंगा कि यूनिटी के अंदर जितनी भी गेम डेवलपमेंट होती है वो बेसिकली इस तरह से हम इवेंट बेस्ड सी शार्प में प्रोग्रामिंग कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह के सिमिलर चीज होगी, लेकिन कई चीजों से मिलती होगी, कई चीजें उससे ज्यादा आसान होगी। और पहली दफा जब ये आपके सामने यूनिटी ओपन होगा तो वो काफी आपको अजीब सा लगेगा, बट डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट यूज्ड टू ऑफ इट। उसके इंस्पेक्टर और उसकी जितनी भी चीजें आपको नजर आएगा उसमें थोड़ी देर बाद, ठीक है। आपको मेरी तरफ से शोर तो नहीं आ रहा पंखे वगैरह का? हेलो, नहीं सर, इतना नहीं नहीं आ आ रहा। रहा सर। सही है, इतना नहीं आ रहा या आ ही नहीं रहा? मुझे लगता है कि आ नहीं रहा आ है। रहा मैं सर। एक मिनट बंद करता हूँ, मुझे लगता है कि आ रहा है, एक मिनट। लेट्स वेट। अच्छा, ये जब तक हम ये गेम शुरू करते हैं, ये तक ये मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, ये अगर मैं इसी गेम की बात करूं तो इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बताएं कि ये जो गेम है, इस गेम में टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं कितने? ये देख रहे हो, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट समझते हैं ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टर्म में मैं कह रहा हूँ, तो बेसिकली कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर? सर दो, दो। कौन कौन से? शाबाश। एक तो आप बॉल जो मूव कर रही है और एक जो ऑब्जेक्ट जो उसके सामने आएगा। ये अभी आपके सामने कुछ एक नजर आया था, एक और भी था, ये देख रहे हैं, ये अभी मैं इसमें से पास थ्रू करूंगा ना तो देखना है, थोड़ी देर में एक और चीज नजर आएगी। ये क्या होता है? ये सर कलर चेंज का, कलर चेंजर का आ गया। और अगर आप देखें तो ये सर्कल ना डिफरेंट डिफरेंट है, एक है जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एक है जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना। और ये देखें, ये एक और सर्कल है जो कि सर्कल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। सर वो एक ही तरह का ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो मतलब ऑब्जेक्ट विदिन ऑब्जेक्ट शायद, मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेम ही टाइप के बन जाएंगे। अच्छा, वो हम देखते हैं कि ये कैसे बनाएंगे, लेकिन डू यू अग्री कि वो दोनों सर्कल्स हैं डिफरेंट, है ना या नहीं? नहीं, आखिरी में जब पहुंचता है तो वो सर्कल एक डिफरेंट तरह का ऑब्स्टेकल है ना।
ना, ये देखें, ये है जो क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये है जो क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। अभी देखना है, ये आएगा जो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, ये एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है। और अब जो आ रहा है ये बेसिकली दो सर्कल है, कुछ भी खैर बड़ा मुश्किल बना दिया है, ओए ओए ओए, जो भी है, ठीक है। तो इसको तो हम साइड पे करते हैं, मेरे ख्याल में वो यूनिटी वाला इनिशियलाइज अभी तक हो रहा है, सो लेट्स लेट दैट प्रोजेक्ट गेट्स ओपन। थोड़ा देर लेता है क्योंकि ये लैपटॉप मुझे वहां भी कोई आला वाला दिया होगा पीसी, तो ये थोड़ी सी देर लेगा। अच्छा, एक कुछ बातें हैं, वो ये कि बेसिकली अगर आप में से कितने लोगों ने स्क्रैच पे काम किया? सर आईटीसी में एक लैब की थी स्क्रैच पे बस। आईटीसी में एक लैब स्क्रैच में की थी, ठीक है। मुझे ये लग, मुझे वैसे ये जो यूनिटी है ना, ये स्क्रैच के ज्यादा करीब लगता है, स्क्रैच और सी, ये जो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन है उसके काफी करीब लगता है। तो खैर ये जब शुरू होता है तो मैं बताता हूँ आपको। ये पहली दफा मैं चाह रहा हूँ कि इस इंतजार से गुजरे ताकि हम, ये मेरे ख्याल में अब खुल गया है। अच्छा, सबसे पहले तो बात ये है कि ये जब तुम्हारे सामने विंडो खुलेगा, ये विंडो नजर आ रही है आपको? ये विंडो नजर आ रही है, ठीक यस सर, आ रही। है। अच्छा एक मिनट यार, ये होल्ड करना मुझे, एक मिनट, सॉरी। हेलो जी, जी, सो एवरीबडी फेयर। अच्छा तो हमने बेसिकली करना क्या है, हम सबसे पहले आपको जो नजर आएगी ना वो ये विंडो नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, एवरीबडी कैन हियर मी, एवरीबडी कैन हियर मी, ठीक यस सर, है। यस सर। अच्छा अच्छा इसको देख के पहले जाते, ये परेशान नहीं होना, ठीक है, जस्ट बी रिलैक्स। पहली दफा आपको कुछ काफी सारी चीजें नजर आएंगी यहाँ पे, और शायद हर एक का विंडो का लुक ऐसा ना हो जिस तरह मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि चीजें हैं क्या क्या, ताकि आपको पता हो जाए कि आपने चीजों को कैसे कैसे हैंडल करना है, ठीक है। एक मिनट यार, होल्ड करना, ये ना क्लास हो रही है, सॉरी मैं क्लास में हूँ। हाँ, मैं कॉल में, मतलब ये तो मैंने बंद किया है। हाँ बताओ, वो भी बंद किया है ना, क्लास में बुला रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा जी, ऑल राइट। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें मैं आपको बताता हूँ। ये आपका प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल वैसा ही जैसे एक्सप्लोरर नहीं होता था, मुझे एक्सप्लोर आपको नजर आता है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, ये बिल्कुल उसका चीज है, ठीक है। और सोल्यूशन एक्सप्लोरर की कुछ चीजें ये हैं और कुछ चीजें ये आपको राइट साइड पर नजर आ रही है, जो हायरार्की है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपके पास हैं, और ये बेसिकली जो एसेट्स नजर आ रहे हैं या ये सीन नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली इसके अंदर मजीद डिटेलिंग है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो बेसिकली आपके प्रोग्राम है जो बाय डिफॉल्ट बना है वो सैंपल सीन के तौर पे, और हम फिलहाल सिर्फ एक ही सीन बनाएंगे, और शायद आप चाहें तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से, तो नहीं, यहाँ से जाके इसको रीनेम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं F2 प्रेस करूंगा, इसका नाम देकर रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेन सीन, ठीक है। तो ये मेरा मेन सीन है, इसे कहेगा हाँ भी, मैं इसे चेंज करके रीलोड कर दूं, मैं कहूंगा हाँ रीलोड कर दूं, ठीक है। अच्छा, हर ये राइट साइड पे तुम्हें आपको यहाँ पे, यहाँ पे सीन की प्रॉपर्टी नजर आ रही है। आपका जो गेम हमारी हम बना रहे होंगे वो बेसिकली डिफरेंट तरह के सीन्स हो सकते हैं,
इस वक्त हमारे जो गेम होगी वो सिर्फ एक ही सीन का, और उसी अच्छा हर सीन के साथ एसोसिएटेड एक कैमरा होगा, ठीक। और आप इस ये जो राइट साइड पे कैमरा नजर आ रहा है ये जो मेन कैमरा है, ये बेसिकली क्या है मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसकी डिफरेंट इंस्पेक्टर में यहाँ पर आपको की प्रॉपर्टी नजर आ रही है, इसमें एक ट्रांसफॉर्म है, कैमरा है, उसका कलर, ये किस लाइट फेंक से फेंक रहा है, बैकग्राउंड में क्या कलर आ रहा होगा, ये आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। अच्छा भाई दबाई ये दोबारा लेफ्ट साइड पे आ जाए, ये है सीन आपका, ये जो आपको पहली विंडो नजर आ रही है जिसमें यहाँ पे कैमरा दिख रहा है आपको, और ये एक बेसिकली एक व्यू नजर आ रहा है जो बेसिकली ये है कि इतना पोर्शन जो है ना आपको स्क्रीन पर नजर आएगा, ये जो इतना नजर आ रहा है ना ये वो पोर्शन है जो बेसिकली आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। और मैं आपको यहाँ पर ये जो कैमरा व्यू नजर प्रीव्यू नजर आ रहा है ये बेसिकली दिखा रहा है, ये पता है कौन सा पोर्शन दिखा रहा है, ये बेसिकली इतना सा पोर्शन दिखा रहा है, ठीक है। और बेसिकली अगर फॉर एग्जाम्पल इस रेक्टेंगल के बाहर मैं कोई चीज रखूंगा तो वो इस कैमरे में नजर नहीं आएगी, ये कैमरे का रिव्यू इतना सा है, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, यस, ठीक है। तो और बेसिकली ये जो गेम है ना, ये जो सीन के साथ आपको यहाँ पे गेम नजर आ रहा है, ये बेसिकली उसी इसी प्रीव्यू का बड़ा वाला वर्जन है, ठीक है। सो अच्छा अब मैं बेसिकली इस सीन में कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेके आता हूँ, और वो ऑब्जेक्ट्स कैसे लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अब इस हायरार्की में जाता हूँ, ये मेरे इस सीन की हायरार्की है, इसमें जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट 2D ऑब्जेक्ट करता हूँ, इसमें स्प्राइट डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो नया स्प्राइट्स में ऐड हो गया, पहला काम आपको ये करना चाहिए कि स्प्राइट का नाम चेंज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका स्प्राइट का नाम रख लेता हूँ, हमारी जो गेम है उसमें कौन कौन से स्प्राइट है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो बहुत मेन है उसका नाम क्या है, बॉल, तो मैं इसको ना बॉल रख देता हूँ नाम से, ठीक है। अच्छा इसका नाम मैंने बॉल रख दिया। अच्छा ये अब आपको बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 0 0 पोजीशन पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सर्कल की यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये देखें ये पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। आपको चाहे तो उसकी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज करने के लिए यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ पर आपको हैंड नजर आएगा, ये आपको मूवर टूल नजर आएगा, ये रोटेटर नजर आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसको आप एक्सप्लोर कीजिए, इसमें मैं पहले मूवर पकड़ता हूँ, इस मूवर को उठा के मैं नीचे लाता हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये इसका मैं कलर वगैरह चेंज करता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ और इसका कलर जाके चेंज करता हूँ, लेट्स से इसका मैं कलर जाके चेंज कर दूँ। अच्छा अभी तक ये स्प्राइट सॉरी अभी तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये एक 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 बॉल मैंने इसका नाम रखा है, लेकिन बेसिकली इसकी कोई शेप नहीं है। अब मैं इसकी शेप जाके चेंज करता हूँ, शेप कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे इस लिस्ट में जाते हैं, डॉट नजर आ रहा है ना, ये डॉट नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे, मैं कैसे गया हूँ यहाँ पे, ये इस डॉट पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ जाके मैंने नॉब सेलेक्ट किया, ये बाय डिफॉल्ट उसने कुछ स्प्राइट्स की शेप दी है, आप चाहें तो खुद भी ऐड कर सकते हैं, तो लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे नॉब सेलेक्ट करते हैं, नॉब इज लुक लाइक ए बॉल, ये PNG है जो बेसिकली सिलेक्ट हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि बेसिकली यहाँ उसने एक छोटी सी, ये देख रहे हैं ये छोटी सी बॉल आ गई, ठीक है। आप यहाँ चाहें तो इसका स्केल फैक्टर चेक कर सकते हैं, स्केल XYZ का मतलब ये है, क्योंकि ये 2D गेम है और XY में है, तो मैं इसको चाहूँ तो सफेद की तरह इसको स्केल कर देता हूँ, मतलब 2x2 कर देता हूँ, तो ये थोड़ी सी बॉल बड़ी हो गई, इसको मैं अगर 3x3 करूंगा तो ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, इसका मैं अगर Z चेंज भी कर दूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, 2D वो वाली मोटाई बढ़ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, नजर नहीं आएगा, डज इट मेक सेंस, बिकॉज यू आर लिविंग इन 2D वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा इसका कलर यहाँ से आप पिक चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका कलर चेंज करना है, लेट्स से मैंने कलर रखना है, क्या रखे, व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट रखे क्या रखे, फॉर एग्जाम्पल मैंने व्हाइट रखना, ठीक है। अच्छा मैं इसे दोबारा से जूम आउट करता हूँ, ठीक है। अच्छा जूम आउट में देखें, अब ये मैंने एक बॉल बनाई है ना, मैं चाहूँ तो बेसिकली इस ये देखें, अब आपको याद है वो मैंने आपको कहा था कि ये आपको गेम व्यू में नजर आता है, गेम ये बॉल देखो कहाँ पड़ी है, ये बॉल यहाँ पड़ी, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ, इसकी पोजीशन अगर मैं ऊपर कर दूंगा तो ये देखें वो ऊपर नजर आएगी, ठीक है। और अगर मैं इसको राइट कॉर्नर पे लेके जाऊंगा तो ये मुझे राइट कॉर्नर पे नजर आएगी, ठीक है।
और अगर मैं इसको लेफ्ट कॉर्नर पे लेके जाऊंगा तो ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे नजर आएगी, ठीक है। और अगर मैं इसकी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे लेके आऊंगा तो ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर आएगी। अच्छा, अगर मैं इसको ये देखेंगे वर्स देखें, अगर मैं इसको इस सीन व्यू से बाहर ले जाऊं तो क्या हुआ, ये मुझे गेम में नजर आएगी? नहीं नजर आएगी, ठीक है, पहले बाहर नीचे नीचे, ठीक है। तो मैं इसे दोबारा गेम व्यू में ले आता हूँ और इसकी पोजीशन सेट करता हूँ यहाँ के। लेकिन मैंने काफी गेम डिस्ट्रीब्यूशन खराब कर दी है तो मैं इसे ना जाके रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने से क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट 0-0 पे आ जाता है, ठीक है, ये 0-0 पे नजर आ रहा है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है, ये मुझे 0-0 पे नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास बॉल पड़ी हुई है और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और इसका मैं अब स्केल फैक्टर 2/2 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बॉल इस तरह की। अच्छा, अब पहली बात मुझे ये बताया कि मुझे क्या करना चाहिए, बॉल आ गई है तो क्या करूं मैं इसका, हम क्या करना चाहते हैं बॉल के साथ? मूव कराएंगे सर, सबसे पहले जब गेम स्टार्ट होगी तो उसको नीचे फॉल करना चाहिए, अनलेस उसको नीचे फॉल करना चाहिए। बिल्कुल, बेसिकली बस ये है कि इसको हमने किसी ना किसी तरह इसके ऊपर ग्रेविटी ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर जो बातें बता रहा हूँ ये बड़ी कान खोल के बातें सुनने की बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। कोई मसला आया तो यहाँ पर आपने मुझे रोकना है, क्योंकि ये वो बातें हैं जिसका यूनिटी के आर्किटेक्चर से ताल्लुक है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने C++ पढ़ी थी और लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ी थी तो उसमें ना आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज बाय डिफॉल्ट मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए बात और से, ये जितने भी यहाँ पर आपने ये जो मेन हमारा सीन है, बाय द वे डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस कंट्रोल एस, कंट्रोल है, कंट्रोल एस जरूर प्रेस करते रहे ताकि वो सेव होता जाए, ठीक है। और ये जो मेरा इस वक्त मेरा सीन है, इसके अंदर ये बेसिकली दो चीजें हैं, एक उसका मेन कैमरा और एक रिसेप्शन बॉल है। ये बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बेसिकली आप समझ लें कि मेन की, जिससे हमारे इंट मेन में मेमोरी नहीं होती थी, ये बेसिकली ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके आपके ऑब्जेक्ट्स बने हुए। अच्छा, ये ना बेसिकली इनका कंट्रोल किसके पास होता है? इसका कंट्रोल यूनिटी के पास होता है, इसकी मेमोरी क्रिएशन वगैरह वगैरह ये सारी इसके पास होती है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करने की, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर आपको यहाँ पर आपके ना बेसिकली आप समझ लें कि कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपको हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करना। अब देखो, ये जो मैंने गेम ऑब्जेक्ट बनाया ना बेसिकली, ये जो नया बॉल बनाया था, अच्छा बाय द वे ये यूनिटी के अंदर जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह यहाँ पर बनाते हैं इनको हम गेम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारी गेम के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बाय डिफॉल्ट दो गेम कंपोनेंट्स उसके साथ एसोसिएट होते हैं। एक होता है उसका ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म बता रहा होता है कि बेसिकली ये जो गेम ऑब्जेक्ट है ये किस जगह पड़ा हुआ है, ठीक है। और एक होता है स्प्राइट रेंडर, स्प्राइट रेंडर बेसिकली इसकी ये इंफॉर्मेशन होती है कि ये कैसा दिखेगा, इसकी तस्वीर कैसी होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। और इसमें मटीरियल कैसा दिखना है, ये सारी प्रॉपर्टीज है जो कि बेसिकली आप आप खुद देखेंगे, ठीक है। ऑर्डर इन द लेयर क्या चीज हो सकती है आपके ख्याल में? ऑर्डर इन द लेयर क्या चीज? हाँ, क्या के जो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, हाँ, उसके अगर एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो किसके ऊपर दिखना है, किसने ऊपर दिखेगा, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन तो ऊपर दिखेगा, कौन सेकंड नंबर दिखेगा, कौन थर्ड नंबर, एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब हमने बेसिकली क्या, अब मैं अब आपके सामने ना मैं एक कंपोनेंट इस पे ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम है बेसिकली रिजिड बॉडी। अच्छा, रिजिड बॉडी बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 3D होता है, आपको यहाँ पर 2D सेलेक्ट करना है बिकॉज हमारे तमाम ऑब्जेक्ट्स जो आज हम खेलेंगे वो हमारे 2D ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, ये रिजिड बॉडी बेसिकली क्या चीज है? जैसे रिजिड बॉडी आप ऐड करेंगे ना, ये मैंने बेसिकली कंपोनेंट ऐड किया, तो ये रिजिड बॉडी क्या है? ये रिजिड बॉडी बेसिकली हमारे, आप समझ लें कि यूनिटी की सबसे पावरफुल जो चीज है ना वो उसका फिजिक्स इंजन है, ठीक है। और ये जो फिजिक्स इंजन है उसके अंदर आपकी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो आपको अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट्स कैसे टकराते हैं, ऑब्जेक्ट कैसी उनमें उनमें क्या मोमेंटम है, कैसे चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन कैसे करनी है, ग्रेविटी कैसे ऐड करनी है, इसकी तमाम बड़ी बड़ी कमाल की लाइब्रेरीज है
लिंक किया मेरे पास, ठीक है। रिजिड बॉडी, रिजिड क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी इज समथिंग विच इज नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, विच इज नॉट फ्लेक्सिबल। अच्छा अब अगर आप किसी पे रिजिड बॉडी 2D अगर लगा देते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर बेसिकली ग्रेविटी आ जाती है, ठीक है। तो मतलब ये रिजिड, ये देखे ना, ये यहाँ पे ग्रेविटी स्केल उसने 1 यहाँ पे लगाया हुआ है, बेसिकली इसके अंदर आ चुका है। सिर्फ ये रिजिड बॉडी का कंपोनेंट ऐड करने से इसके ऊपर ग्रेविटी वाले तमाम इफेक्ट आना शुरू हो गए। कैसे आना शुरू हो गए, लुक एट दिस। मैं अब आप इस गेम को जब चलाऊंगा तो देखना क्या होगा। ये देखो गौर से, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखिए, ये देखो, जी ये देखें, ये आपको नजर आना शुरू हो गया, फ्री फॉल करता हुआ नजर आ रहा। ये दोबारा देखें जी, ये मैंने चलाया और ये फ्री फॉल होता हुआ नीचे गिर रहा है और आपकी स्क्रीन से बाहर निकल गया। यहाँ पर आप चाहें तो शायद जाकर नजर आता, लेकिन नहीं नजर आ रहा, ठीक है। अच्छा एक काम मैं और करता हूँ, ये ना सी प्लस, ये जो यूनिटी है, यूनिटी में आप चाहें तो ये ना एक होता है प्ले, एक होता है पॉज और एक और होता है इसे कहते हैं स्टेप। स्टेप क्या होता है मैं बताता हूँ। अच्छा मैं ना पहले पॉज कर देता हूँ और अब मैं गेम चलाता हूँ, देखना क्या हुआ। ये अब जब मैं प्ले करूंगा ना, तो बेसिकली ये गेम चलना शुरू होगी, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट पॉज पे होगी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपका आपका जो ये प्लेयर है वो यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको, अगर आप, मैं प्ले हटा दूंगा तो ये नीचे गिरना शुरू, लेकिन अगर इसको आप करें तो ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चलाएगा। तो ये देखिए, ये बॉल देख रहे हैं नीचे आ रही है, ये देख रहे हैं नीचे आ रही है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली मैं इस पूरी गेम को फ्रेम बाय फ्रेम चला रहा हूँ। फ्रेम बाय फ्रेम चलाने का मतलब बेसिकली ये है कि जो स्क्रीन का फ्रेम रेट है, बेसिकली हर स्क्रीन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ना, जो वीडियो हमें नजर आ रही होती है ना, वो बेसिकली फ्रेम बाय फ्रेम हमें दिखा रहा है। तो हर एक स्क्रीन का एक फ्रेम रेट होता है, उसके हिसाब से बेसिकली ये बार बार हमारी स्क्रीन रिफ्रेश हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये हम इसको फ्रेम बाय फ्रेम चला सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये यहाँ से ये स्क्रीन से बाहर निकला और अब मैं आपको सीन व्यू में दिखा भी देता हूँ, वो यहाँ पहुंच चुका है, ये देख रहे हैं, वह यहाँ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सीन व्यू में नजर आ रहा है कि ये देखें इंच नीचे जा रहा है, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली नीचे जाता रहेगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस, Does it make sense? जी, yes. So far so good. Yes, everybody is with me. Yes. अच्छा अब आपके ख्याल में मुझे क्या करना है? मैं वापस इसको यहाँ पर रख देता हूँ। जी, आपके ख्याल में मुझे अब क्या करना चाहिए? सर अब आपको एक इवेंट हैंडल लगाना चाहिए कि आप क्लिक करें या कोई भी की प्रेस करें। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैं उमर सर। बेसिकली हमें, हाँ दोबारा बोलो क्या बोला तुमने? सर हमें एक इवेंट हैंडलर लगाना है कि हम कोई की प्रेस करें या माउस क्लिक करें तो वो जंप करे, बॉल जो हमारी वो जंप करे। हम बेसिकली चाहते हैं कि जब स्पेस बार प्रेस होना तो ये बेसिकली जंप करे, ठीक है। डज इट मेक सेंस? हम ये काम करना चाहते हैं कि जैसे ही हम कोई की प्रेस करें, ठीक है, स्पेस की प्रेस करें, तो बेसिकली क्या हो, हमारा ये जंप करे, ठीक है। अच्छा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये वो काम है जो बेसिकली हमें खुद लिखना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एक कोड ऐड करेंगे और वो कोड हम इस बॉल के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। अच्छा वो कैसे करना है? ऐड कंपोनेंट करेंगे स्क्रिप्ट। चलिए हम यहाँ पे ऐड कंपोनेंट करेंगे और यहां जाके हम न्यू स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, इसका नाम होगा, अब हम क्योंकि बॉल हैंडलर बना रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं बॉल हैंडलर, ठीक है, ठीक है। सो क्रिएट कर देते हैं और उसको ऐड भी कर देते हैं, सही है। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ आके हमने बेसिकली बॉल हैंडलर ऐड कर दिया, कहाँ ऐड कर दिया, बॉल के ऊपर ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा ये अगर आप देखें तो बेसिकली एसेट्स में आपको यहाँ पर बॉल हैंडलर नजर भी आ रहा। अच्छा मैं बॉल पे दोबारा जाता हूँ और इस बॉल हैंडलर पे जाके मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा ना, तो बेसिकली ये देखिए,
जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ये व्यू स्टूडियो में से खोल देगा। क्यों नहीं खुल रहा भाई? ये खुल रहा है जी। मैं यहाँ जाकर डबल क्लिक करूंगा, मैं यहाँ से भी जाके डबल क्लिक कर सकता हूँ एसेट्स पे जाकर, तो ये व्यू स्टूडियो में इसको ओपन कर देगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट होल्ड करें, मैं एक मिनट हेलो। हाँ जी, एवरीबडी इज हियर। यस सर। हाँ जी, अच्छा अब हमने क्या करना है। अच्छा इसने क्या किया है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये यहाँ क्यों आ रहा है? ये मेरे पास व्यू स्टूडियो खुल गया। अच्छा इसने बेसिकली क्या किया है, तो लुक एट दिस जी। जब मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया बॉल हैंडलर के ऊपर, ठीक है, बॉल हैंडलर के ऊपर, तो बेसिकली इसने व्यू स्टूडियो के साथ उसको ओपन कर दिया। प्लीज मेक श्योर कि अब आप डबल क्लिक करें किसी स्क्रिप्ट के ऊपर तो उसको इसमें ओपन होना चाहिए, और यहां पर कुछ भी अंडरलाइन नहीं होना चाहिए। अंडरलाइन का मतलब जैसे वो सिंटेक्स एरर जैसे नहीं आते, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका आपको पता लग जाए कि आपका व्यू स्टूडियो यूनिटी के साथ कनेक्ट हो गया। अदरवाइज वो जो इंटेलिजेंस के जो जो इश्यू होते हैं वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा आपके जितने भी स्क्रिप्ट्स होते हैं ना वो बेसिकली मोनो बिहेवियर से इनहेरिट होते हैं। ठीक है, याद है जिस तरह से हमने विंडोज फॉर्म में बनाए थे, तो विंडोज फॉर्म से आपका फॉर्म इनहेरिट हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह आपका जो भी आप स्क्रिप्ट बनाते हैं वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली मोनो बिहेवियर से इनहेरिट होता है। ठीक है, अब मोनो बिहेवियर से इनहेरिट होने की वजह से उसके अंदर काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है, उनमें से एक फंक्शन ये स्टार्ट और अपडेट भी है। ठीक है, तो स्टार्ट क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, अपडेट मैं आपको पहले बताता हूं। अच्छा अपडेट बेसिकली क्या है, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये स्क्रिप्ट लगा हुआ, ये जो बॉल हैंडलर का है, ठीक है, प्लीज मेक श्योर कि जो क्लास का नाम होता है वही आपके यहां पर इसका नाम होता है, क्या कहते हैं, इस स्क्रिप्ट का नाम होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको चेंज करें तो फिर आपको उसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो प्लीज बी केयरफुल। अच्छा अपडेट क्या होता है, अपडेट बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो जिस ऑब्जेक्ट पे आपने ये स्क्रिप्ट लगाया होगा
ہر فریم میں یہ فنکشن کال ہوا. یہ بات سمجھائی یا نہیں سمجھائی؟ جی ایوری بڈی انڈرسٹینڈ کہ میں نے کیا بات کی؟ یس سر. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے, یہ ہر فریم میں یہ فنکشن کال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں نے کرنا کیا ہے, کین یو ٹیل می کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ میں واپس آ رہا ہوں, جو ابھی عمر نے بات کی تھی کوئی اور بتائے کہ مجھے کرنا کیا ہے, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. سر بیسیکلی فنکشن یہی گیٹ کی کا یوز کرنا ہے کہ اگر اسپیس ہم نے دبائی بھی ہو, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو اوپر یعنی ہائٹ اس کی انکریز کرتا ہے. بالکل صحیح بات. تو یہ اپ ڈیٹ میں ہم لکھیں گے, تو ہم بیسیکلی وہ کام اپ ڈیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, سو ہم کریں گے کیا کہ ہم چیک کریں گے اف. ہاں جی, اچھا اس میں نا ایک ایک لائبریری اویلیبل, اس کا نام ہے انپٹ ڈاٹ گیٹ گیٹ کی ڈاؤن, اور کی ڈاؤن میں ہم لکھیں گے کون سی والی کی, کی کوڈ ڈاٹ اسپیس. اگر اسپیس پریس ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے بیسیکلی اس کی اس جس بھی آبجیکٹ پہ یہ لگا ہوا ہے, ہم اس کی کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کی اپورڈ موومنٹ کروانے میں اس کی اپورڈ موومنٹ کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میں نے آپ کو بتائی تھی بات کہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا, یہ جو آپ کی بال ہے اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جیسی ہم نے اس کی ریجڈ باڈی لگائی تھی, تو ریجڈ باڈی میں آپ کو کچھ پراپرٹی تو یہاں پہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, جس میں اس کا گریوٹی اسکیل ہے, اور دیکھیں یہ ویلوسٹی بھی ہے, یہ ویلوسٹی فیکٹر بھی ہے جو کہ بیسیکلی بار بار چینج ہو رہا ہوگا. اگر ایکسلریشن اس میں ہے تو آف کورس اس کی ویلوسٹی بار بار چینج ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی اس کی, ہم اس کی ہم جب بھی کی پریس کریں ہمیں بیسیکلی اس کی کوئی پازیٹیو ویلوسٹی دینا چاہتے ہیں. پازیٹیو ویلوسٹی کس ڈائریکشن میں؟ وائی ڈائریکشن میں سر, وائی ایکسس. وائی ڈائریکشن میں, ایکسلنٹ. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اب میرا سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم یہ اسکرپٹ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اسکرپٹ تو لکھ رہے ہیں اور یہ اسکرپٹ ہم کسی بھی آبجیکٹ پہ اٹیچ کر دیں گے. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر اٹیچ ہوا ہوا ہے, لیکن ہمیں جس آبجیکٹ کے اوپر یہ لگا ہوا ہے وہ بال ہے, ہمیں اس کا کیا حاصل کرنا ہے؟ یہ جو بال ہینڈلر ہے نا, یہ جو بال ہینڈلر ہے, یہ بال ہینڈلر بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک کمپوزڈ آبجیکٹ ہے اس بال کے اندر. ٹھیک ہے, اب ہم نے بیسیکلی کیا کرنا ہے, ہم نے اس کی اس ریجڈ باڈی کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس اسکرپٹ کے اندر جو بال ہینڈلر ہے, ہمیں بیسیکلی جس کے اوپر بھی یہ لگا ہوا ہے اس کا کیا حاصل کرنا ہے, اس کا ریجڈ باڈی حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اس کی ویلوسٹی سے کھیل سکیں. یہ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ یس سر, آگے آگے نا. بیسیکلی یہ جو بال ہینڈلر جس کے اوپر بھی لگا ہوا ہوگا, جو کہ بیسیکلی بال کے آبجیکٹ کے اندر کمپوز ہوا ہوگا, ہم چاہتے کیا ہیں, ہم اس بال کے اوپر جو ریجڈ باڈی لگا ہوا ہے وہ ہم اس میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا وہ میں کیسے حاصل کروں گا, میں اب آپ کو دکھاتا ہوں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ جا کے, فار ایگزامپل میں نا کیا کرتا ہوں, ریجڈ باڈی 2D کا ایک ریجڈ باڈی کا ریفرنس بناتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو پتا نا شیشاپ کے اندر جب آپ ایک آبجیکٹ بناتے ہیں تو ایک ویریبل بناتے ہیں, تو کیا آبجیکٹ بنتا ہے یا ریفرنس بنتا ہے؟ پوائنٹر بنتا ہے. ایکسلنٹ, مور پریسائزلی پوائنٹر بنتا ہے جو کہ نل ہوتا ہے نا. اچھا اب بیسیکلی اگر میں اس کو پبلک کر دوں تو, اچھا اگر میں پرائیویٹ کروں گا نا تو مجھے اس کے اندر یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بیسیکلی جیسے جیسے ہم چینجز کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے اندر, وہ بیسیکلی یہاں پہ دکھا رہا ہوتا ہے, کمپائلنگ کر رہا ہوتا ہے. اچھا اگر میں ایک یہاں پہ کام کرتا ہوں, یہاں پر بیسیکلی اگر میں پبلک کر رہا ہوں, پبلک کرنے سے ہوگا یہ کہ مجھے جو یہ ہے نا, یہ جو بال ہینڈلر ہے, اس بال ہینڈلر میں بیسیکلی اس کے اسکرپٹ والے حصے میں مجھے یہاں پر اب یہ والا آر بی, یہ آر بی کیا ہے, یہ آر بی بیسیکلی یہ والی پراپرٹی ہے جو بیسیکلی مجھے یہاں پہ نظر آ رہی ہے. یہ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیا تھا سائن ہوا ہوا ہے, اب تک ابھی تک کیا سائن ہوا ہوا ہے انسپیکٹر میں,
नल रेफरेंस असाइन हुआ है। बेसिकली अभी तक मैंने इसमें प्रॉपर्टी है लेकिन प्रॉपर्टी कुछ असाइन नहीं हुआ, ठीक है। हम करना क्या चाहते हैं, किसकी रिजिड बॉडी हम इसको असाइन करना चाहते हैं? बॉल की। बॉल की। तो मैं देखो बॉल को यहां से ड्रैग करूंगा और यहां पर ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये किसको रेफरेंस असाइन हो रहा है। हालांकि मैं असाइनमेंट बॉल की कर रहा हूं लेकिन वो बॉल में से रिजिड बॉडी इसको असाइन करेगा। क्यों? ये देखेंगे, इसने कहा मैंने बॉल की रिजिड बॉडी इसको असाइन कर दी। क्यों बॉल क्यों नहीं असाइन की? क्योंकि बॉल बेसिकली क्या है, एक गेम ऑब्जेक्ट है, लेकिन बॉल के अंदर मौजूद रिजिड बॉडी जो है वो एक क्या है, एक कंपोनेंट है। और यहां पर हमने जो रेफरेंस बनाया वो रिजिड बॉडी का बनाया। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर असाइन करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट में उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो रेफरेंस पॉसिबल हो सकता है वो यहां पर असाइन करता है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, मुझे रिजिड बॉडी का, मेरे पास बॉल की रिजिड बॉडी का रेफरेंस आ गया। किधर आ गया? वो बेसिकली यहां आ गया। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो बेसिकली जब इस स्क्रिप्ट का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कि यहां पर आपको नजर नहीं आ रहा, ये यूनिटी ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, बिल्कुल वैसे जैसे सी शार्प के अंदर जब विंडोज फॉर्म बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें इनिशियलाइज हो जाती थी कि ये बटन यहां पर होगा, इसका साइज इतना होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। बिल्कुल इसी तरह यहां पर रिजिड बॉडी, इस आरबी के अंदर इस बॉल की रिजिड बॉडी का रेफरेंस आ चुका है। ठीक है, सो अब मैं अपडेट में आता हूं और अब मैं इस रिजिड बॉडी को एक्सेस करता हूं और इसमें आता हूं और इसकी जाके इसकी डॉट हम क्या करते हैं कि रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी पे आए, इसका डॉट डॉट वेलोसिटी को जाके हम असाइन करते हैं। क्या असाइन करें बताएं मुझे? अब जो वेलोसिटी है ना, ये बेसिकली एक 2D वेक्टर है। अब 2D वेक्टर इसलिए क्योंकि 2D गेम है, तो हमें बेसिकली इसको वैल्यू असाइन करनी है। तो मैं यहां पे लिखता हूं न्यू वेक्टर और यहां पे 2D करता हूं। अब बताएं जी क्या असाइन करें? इसने क्या एक्स में मूवमेंट करनी है? नहीं सर, नहीं करनी। और सवाल यह है कि वाई में मूवमेंट करनी है, लेकिन कितनी मूवमेंट करनी है ये मैं डिसाइड कर लेता हूं। और वो मैं कैसे करता हूँ, वो मैं उसको ना पब्लिक करता हूँ और यहां पर मैं ना एक फ्लोटिंग वैल्यू ले लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ फोर्स। ठीक है, अच्छा इसको भी मैं मल्टीप्लाई बाय फोर्स कर देता हूँ। अभी फोर्स में क्या वैल्यू पड़ी होगी? ये फोर्स में क्या वैल्यू पड़ी होगी? नल रेफरेंस। नहीं नहीं, नहीं, अब ये डेटा टाइप है ना, ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो इसमें कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। लेकिन देखना, अब मैं इंस्पेक्टर में जाके इस फोर्स को जाकर फॉर एग्जाम्पल 10 कर देता हूं। ठीक है, अब मैं वापस आया। सो बेसिकली अब ये पीस ऑफ कोड कर क्या रहा है, दोबारा से सुनिए, आपके ख्याल में इस पीस ऑफ कोड क्या करेगा? इस पीस ऑफ कोड का इंपैक्ट क्या हुआ? गौर सुन लें, ये जिस भी बॉल, ये बॉल हैंडल स्क्रिप्ट जिसके ऊपर भी लगा होगा, जिसके ऊपर भी लगा होगा, अगर की प्रेस होती है तो क्या होगा? अगर ये वाली की स्पेस बार की प्रेस होगी तो क्या होगा बताएं मुझे? सर जो भी हम फैक्टर ऐड करेंगे फोर्स का, उसी फैक्टर से वो फिर ऊपर जाएगा, यानी वेलोसिटी। शाबाश, सो लुक एट दिस। अब हम देखें हम क्या करते हैं। ये देखिए, ये बॉल बनाया ना, मैं एक और काम करता हूँ इसको ना, ये डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एक और बॉल भी बनाता हूँ। ठीक है, जब डुप्लीकेट करेगा तो उसके ऊपर भी ये स्क्रिप्ट वगैरह लगी होंगी। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, एक बॉल को, ये सेकंड बॉल है ना, इसको उठा के मैं इधर कर देता हूं। ठीक है, अच्छा आप देखिए मजेदार बात, इस बॉल के ऊपर मैं फैक्टर 10, ये 10 वाला बॉल है और इसके ऊपर मैं फैक्टर 20 करता हूं। ठीक है, अब देखो मेरे पास दो बॉल हैं और दोनों पे अलग अलग स्क्रिप्ट लगे हुए। ठीक है, और आप देखना क्या होगा बेसिकली। अच्छा, और मैं एक काम करता हूं कि मैं ना ये जैसे ही गेम चलेगी ना, मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा, तुम्हारे ख्याल में क्या होगा? अब ये जो बॉल हैंडलर स्क्रिप्ट है, ये इस पे अलग लगा हुआ है, इस पे अलग लगा हुआ है, तो बॉल, ये बॉल वन है और इसको मैं कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ बॉल, ये बॉल है, सिंपल वाली बॉल है, इसको मैं बॉल, इसको मैंने क्योंकि फोर्स ज्यादा कर दी है तो बॉल फास्ट कर देता। ठीक है, देखना आप क्या होगा, देखना क्या हो रहा है।
दूसरी तो इतनी ऊपर चली गई कि स्क्रीन से बाहर चली गई। 20 बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, इसको ना 15 कर देते हैं। सही है। सो लुक एट दिस। ए ओ भाई आ जा आ जा आ जा। ओए वो इतनी ज्यादा ऊपर चली गई, 15 भी बहुत ज्यादा है, इसको मेरे ख्याल में 12 करना चाहिए। यू कैन एक्चुअली सी एक जो है वो ज्यादा ऊपर जा रहा है और एक थोड़ा सा नीचे जा रहा है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो अब दोबारा से सुन ले मैंने क्या किया है। मैंने बॉल का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके ऊपर जो स्क्रिप्ट लगाए हैं वो क्या क्या लगाए हैं। ये स्प्राइट रेंडर का स्क्रिप्ट उसके पास बाय डिफॉल्ट होता है, ट्रांसफॉर्म का ऑब्जेक्ट भी उसके पास बाय डिफॉल्ट होता है। ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या है, उसके अंदर ये वेक्टर 3D पोजीशन है, वेक्टर 3D रोटेशन है, स्केल है, ठीक है, जिसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह रिजिड बॉडी 2D, ये दोनों इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी 2D हमने इस बॉल पे लगा दिया ताकि वो फ्री फॉल करता हुआ नजर आए। ठीक है, अच्छा, और उसके ऊपर हमने एक और स्क्रिप्ट लगा दिया। ये बात याद है कि जितने भी स्क्रिप्ट्स होते हैं वो बेसिकली इसके जिसके ऊपर भी हम स्क्रिप्ट ऐड करते हैं या कंपोनेंट उसके ऊपर ऐड करते हैं वो उस गेम ऑब्जेक्ट का जाके क्या बनता है, ऊप की जबान में बताएं। मेथड नहीं, मेथड कहां से आ गया? रिजिड बॉडी 2D तुम्हें मेथड नजर आ रहा नहीं है? ये रिजिड बॉडी 2D तुम्हें तुम्हें ये मेथड नजर आ रहा है? नहीं नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट 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 बनता है बेसिकली, पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन हुई होती है उसके अंदर, पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन हुई होती है उसके अंदर। और ये रिजिड बॉडी 2D हो सकता है 50 और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाओ। ठीक है, तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, वो जिस ऑब्जेक्ट पर लगाएगा उसकी प्रॉपर्टीज उसमें बदलती जाएंगी। ये बात है नहीं? सो देखो दिस, ये इस बॉल के ऊपर भी मैंने मैंने ये बॉल हैंडलर का स्क्रिप्ट लगाया जिसमें उसकी मैंने फोर्स की वैल्यू 10 दी है और एक बॉल फास्ट बनाया जिसकी वैल्यू मैंने 12 दी है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक यस है, तो जब हम स्क्रिप्ट ऐड करते हैं तो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, एक कॉम्पोजिशन हो जाती है। इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली उसके कंपोनेंट्स बनते हैं जाते, कंपोनेंट का मतलब ही है कि कंपोजिशन हो गई। डज इट मेक सेंस? यस सर शाबाश। अब मैं इस फास्ट वाले को यहां से उड़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। ठीक है, तो सो फार व्हाट वी हैव डन इज कि हमारी गेम चलना शुरू हो गई है, हम इस बॉल से खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। ये बॉल बहुत ऊपर जा रही है, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं। ये बॉल की जो स्पीड है वो 10 बहुत ज्यादा है, इसको हम 6 कर देते हैं। ठीक है, और ये भी ना मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा मसला होगा, ये देखना ये थोड़ा सा, या बाकी मेरे ख्याल में ये स्मूथ ही है, या थोड़ा सा और छोटा करें, या थोड़ा सा ग्रेविटी ऐड कर दें रिजिड बॉडी में जाके। ये देखो ये ना ये ग्रेविटी का एक स्केल होता है, यहाँ पे ग्रेविटी स्केल, इसका अगर आप 1 की जगह फॉर एग्जाम्पल 2 कर देंगे तो आप इसमें ना थोड़ा सा ड्रैग ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए नहीं, थोड़ा ज्यादा जल्दी से नीचे आएगा, ये नहीं, ये ग्रेविटी का स्केल क्या है, कितने फैक्टर से उसने नीचे जाना है। अगर आप 9.8 कर देंगे तो ये तो बहुत तेजी से जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, एवरीबडी अंडरस्टैंड ग्रेविटी स्केल क्या है? ग्रेविटी स्केल वो जिसके इस पावर के साथ नीचे जाना। ठीक है, इस हिसाब से आप खेल के देखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये तो मैंने ऐड कर दिया, अब मुझे क्या करना है बताएं जी। अब सर आपने बॉल का कलर करना है बॉल सर, का, बाउंड्री का, सॉरी, बाउंड्री चेक की अगर वो कैमरे से नीचे चले जाए तो अच्छा वो मैं नहीं करूंगा, वो आप लोग खुद करेंगे। अच्छा और बताएं। सर कलर, बॉल का कलर, इनिशियली बॉल का कलर क्या होगा? बॉल का इनिशियली कलर क्या हुआ वो हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, हम बेसिकली बाय द वे वो कलर वही होगा जो बेसिकली सर्कल का कलर होगा ना, उनमें से कोई बट एक कलर सर होना चाहिए ना, यस है ना? यस तो सर, सर्कल में से कोई एक एक काम करें, कलर, सर्कल को भी ले आए, ठीक यस सर। है, ताकि हमें पता लग जाए किस कौन सा कलर है, और फिर हम वो कलर वहां से पिक कर लेंगे कौन सा कलर होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक चीज दे रहा हूँ, मेरे पास ना एक बेसिकली फोटोशॉप फाइल पड़ी हुई है, ये यहाँ पे स्मॉल सा के नाम से। ठीक है, इसको आपने क्या करना है कि आपने ये मैं आपसे आपसे शेयर कर दूंगा, मेरे ख्याल में ये 140 KB की है। आपने इस फाइल को उठाकर ड्रैग करके अपने यूनिटी के प्रोजेक्ट में यहां से ना एसेट्स में आके आपने बस ड्रॉप कर देना। ठीक है, आप ड्रॉप करेंगे तो यहां पर आपको बेसिकली एक ये इमेज नजर आएगा। ठीक है,
ठीक है, ये बेसिकली डुप्लीकेट बना दिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट की तरह होता है यार, कितने का डिलीट, अच्छा ये है, ठीक है। और यहाँ जाके आपने पहला काम ये करना है कि ये ना इमेज एक इमेज नहीं है, ये देख रहे हैं ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये बेसिकली ये इमेज है, ये इमेज में बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये चार पोर्शन हो और मैं इन चारों को अलग अलग हैंडल करना चाहता हूँ। क्यों, कैन यू टेल मी क्यों? क्योंकि कलर मैच होना चाहिए बॉल का इस बिल्कुल, तो एक बेसिकली ये मैं पॉइंट इसको से। एक सर्कल की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, मुझे इसको मल्टीपल की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। अच्छा, ये यूनिटी में ना बेसिकली अगर आप इस तरह की इमेजेस वगैरह कहें और सर कह दें कि ये सिंगल इमेज नहीं है, यहाँ पे देखो ना ये स्प्राइट मोड में, अगर आप कह दें कि ये स्प्राइट मोड सिंगल नहीं है बल्कि मल्टीपल है, तो मल्टीपल करके मैं इसको एडिटर में आता हूँ, स्प्राइट एडिटर। ये देखो यहाँ पे लेफ्ट से ये राइट लेफ्ट राइट कॉर्नर पे ये मैं आपको स्प्राइट एडिटर में आ रहा हूँ। एक मैंने क्या किया, एडिटर मल्टीपल किया और यहाँ पे मैंने स्प्राइट एडिटर कर दिया और यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये जैसे इस पर मैं यहाँ पे स्लाइस पे जाता हूँ और स्लाइस में जाके इसको स्लाइस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये खुद ब खुद इसने देखो इसको इन चारों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, ये बात समझ आई? इसने इसको चारों चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये एक अलग स्प्राइट बन गया, ये एक अलग स्प्राइट बन गया, ये एक अलग स्प्राइट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस पे अप्लाई कर देता हूं, तो अप्लाई करने से बेसिकली क्या होगा कि ये बेसिकली मुझे, अब इस पे जाके मैं प्ले पे क्लिक करूं तो ये मुझे चार स्प्राइट नजर आएंगे, पहले मैंने प्ले पे क्लिक किया था तो एक ही नजर आ रहा था, अब बेसिकली क्या है यहाँ पर चार नजर आ रहे हैं, एक दो तीन चार, ये देखिए एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है, ये बात समझ आई? अच्छा, अब मैंने करना क्या है, मैं बेसिकली इन चारों को कंबाइन करके एक सक्का बनाना चाहता हूँ, ऐसे ही है ना? तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ कि इसको यहाँ से यहाँ पर ड्रैग कर, ठीक है, फिर ये इसको भी ड्रैग कर लेता हूँ और फिर इसको भी ड्रैग कर लेता हूँ और फिर इसको भी ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। ये चारों सर्कल मैंने बारी बारी यहाँ पे ड्रॉप कर दिए, ठीक है। अब आप गौर से देखेंगे, देखो ये जो सर्कल है इसमें भी इसका ट्रांसफॉर्म भी है और इसका स्प्राइट रेंडर भी है, हर ऑब्जेक्ट जो भी आप यहाँ पे डालेंगे उसके साथ उसका ट्रांसफॉर्म होगा और स्प्राइट रेंडर होगा, ये जरूर होगा, ठीक है। अच्छा, इसका ना नाम चेंज कर देते, क्या नाम रखें इसका, पहला वाला जो है ये है ब्लू, हाँ जी ये ब्लू, देख लेते हैं यहाँ पे अपन ये कौन सा नजर आ रहा है ना, ये देखिए ये मैं सिर्फ मुंह के देख लेता हूँ, ये देखिए ये कौन सा वाला है, ब्लू ये कौन सा कलर है, सायन सायन सयान सायन कैसे है वो, ब्लू कह लें आप लेकिन होता सायन। ब्लू कह लो यार, तुम पता नहीं कैसे कैसे दिमाग यूज करते हो, ये तो खवातीन को नाम यूज होता है, मुझे तो नहीं पता होता है, मैं तो भाई ब्लू ही कहता हूँ। अच्छा ये क्या है, इसको भी मैं अगर मुंह के देखूं, और ये है, इसको भी मैं अगर मुंह कर, ये मेरा येलो है, ठीक है, तो उसको मैं जाके येलो कर दूंगा, ठीक है, येलो स्पेलिंग फिर गलत लिख दी, येलो कर, ठीक है। तीसरा ये है और ये मेरा क्या पिंक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने जाके F2 प्रेस किया और यहाँ मैंने इसका नाम पिंक कर दिया, ठीक है। ये मेरा सर्कल आखिरी रह गया, इसका नाम पर्पल होना चाहिए, ठीक है, इसका कोई और नाम तो नहीं होता है, बोल दो चलें जी। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, इन चारों कलर को यूज करते हुए मुझे सर्कल बनाना है, ठीक है। तो मैं ना इसको थोड़ा सा अब मैं मूव करता हूँ, सो ब्लू को मुझे क्या करना चाहिए, ब्लू को बेसिकली मुझे थोड़ा सा मैं सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ, और वो कहाँ करता हूँ मैं कि इसको मैं ये मैंने मूवर सेकंड वाली ऑप्शन सेलेक्ट की मूवर की, और यहाँ से मैं लेफ्ट पे गया और यहाँ जाके मैं ऊपर ले गया यहाँ, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह मैंने फिर ये पकड़ लिया येलो, येलो को मैंने लेफ्ट पे किया और यहाँ जाके थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया, ताकि ये बेशक जूम करके मुझे देख लेना चाहिए, यहाँ पे जूम करके देख लेना चाहिए कि दरमियान में हर कोई गैप शैप ना हो, तो ये थोड़ा सा ऐसे कर देते, ठीक है जी, छोटा हो गया। ये पकड़ा मैंने, इसको भी मैंने यहाँ से पिंक को मैंने यहाँ से पकड़ा और यहाँ से जाके ये कर दिया, ठीक है जी, यहाँ गए, इसको भी पकड़ा, इसको जाके मैंने यूं किया और यहाँ पे जाके यूं कर दिया, ठीक है जी, सही है। थोड़ा थोड़ा ये मेरे ख्याल में खराब हुआ है, ऐसे कर दिया, ठीक है जी, अब ये हमारा प्रेशर सकर बन गया, ठीक है। तो ये तो मैंने इन चारों की पोजीशनिंग कर दी ना, ब्लू येलो और सब, ठीक है।
अच्छा अब हम एक काम करते हैं कि हम एक काम ये करते हैं कि एक ना ये चारों को मैं चाहता हूं कि भाई ये चारों चारों रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ना एक एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ जाके क्या रखूँ, स्मॉल सर्कल, ठीक है? और अच्छा बात सुनिए, जब भी मैं गेम ऑब्जेक्ट नया बनाऊंगा ना, एम्प्टी ऑब्जेक्ट नया बनाऊंगा, रजी रजी यार क्लास हो रही है, थोड़ा स्लो बोलो, थोड़ा स्लो, थैंक यू सो मच। अच्छा इसको ना जाके मैं रीसेट कर देता हूँ, प्लीज ये ना इसकी बाय डिफॉल्ट जब भी आप गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, यहाँ पर राइट क्लिक करके क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट करके, तो ये ना उसका उसको रैंडम प्लेस देता है, जैसे इसने देखो इसको ये बनाया है और रैंडम प्लेस ने कहीं और दे दिया, ठीक है ना? और क्योंकि वो एम्प्टी है तो इसकी कोई शक्ल नजर नहीं आ रही। अच्छा अब इसको अगर आप रीसेट कर देना तो ये तुम्हें दिखा रहा है कि बेसिकली मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ठीक है? ये बात सुनाई? अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ क्योंकि ये ना इसका सेंटर, ये मैं चाहता हूँ कि सर्कल का, मैं दो काम करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो जितने भी मैंने ये बनाया ना, ये मैंने सर्कल बनाया, मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है ना पूरा का पूरा, ये मेरा बेसिकली सेंटर हो, इसका इसका ओरिजिन, ठीक है? सेंटर क्या है उसका ओरिजिन, तो मैंने सारा का सारा सेलेक्ट किया, ये देखो ये मैंने सारा का सारा यूं सेलेक्ट किया और यहां से इसको जाके मूव कर दिया, ठीक है? ये सर्कल बना लेंगे, ठीक है? अच्छा एक मिनट मैं देख लेता हूँ कि ये सब के सेंटर में है या नहीं, सेंटर में तो नहीं है। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक काम मैं और करता हूँ वो ये कि ये जो है ना, ये मैंने स्मॉल सर्कल बनाया था, ये मैं ना इसको उठा के इस सर्कल के मिडिल में ले आता हूँ। और अब मैंने क्या किया बेसिकली, मैंने बेसिकली क्या किया है कि इन चारों ऑब्जेक्ट को मैं इस सर्कल का पार्ट बनाना चाहता हूँ, तो ये इसके चिल्ड्रन बन गए। सो बेसिकली अब मैंने क्या किया, एक बेसिकली बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम रखा है स्मॉल सर्कल, और उसके अंदर ब्लू अलग है, येलो अलग है, पिंक अलग है और पर्पल अलग है। ये समझ में आई मैंने क्या किया? एवरीबडी अंडरस्टैंड मैंने क्या किया? मैंने एक नया गेम ऑब्जेक्ट बनाया, उसका सेंटर इस पूरे सर्कल का सेंटर बना दिया, और वो मैंने कोशिश किया कि उसको मैंने रीसेट कर दूं 0 0 0 पे, ठीक है? और सारा सर्कल उसके अराउंड है, ठीक है? अच्छा ये करने से क्या होगा, ये सर्कल करने से एक बड़ी मजेदार चीज हो गई है वो ये, क्योंकि सारी चीजें इसके अंडर आ गई है ना, तो अब बेसिकली हमने एक बड़ा मजेदार काम करना है। यू रिमेम्बर हमने क्या करना था, याद है आपको क्या करना था? मैंने पूरी की पूरी, अब देखो ये पूरी की पूरी, इस पूरी की पूरी फिगर का नाम क्या है, स्मॉल सर्कल है, जिसके ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो भी मेरे पास है। मैंने क्या करना है बेसिकली, इस पूरी की पूरी चीज को क्या करना है, गोलाई में घुमाना है ना? तो ये देखो ये मेरा रोटेशन है, ये पोजिशन है, रोटेशन है, स्केल है, तो रोटेशन में मैं देखता हूँ कौन से एक्सिस में मैं रोटेट करूं तो ये मुझे लगेगा कि ये वाकई रोटेशन हो रही है। बता सकते हैं आप, एक्स में होगी, वाई में होगी, जी में होगी, बताएं जी? सर एक्स में होगी, अगर वाई में करेंगे तो वो ऊपर नहीं चला ये देखो जाएगा। अगर एक्स में होगी तो ये देखो मैं इस पे जाता हूँ, ये ना खुद ही मेरा व्हील यहाँ नजर आना शुरू होता है, ये एरो लेफ्ट और एरो राइट, मैं प्रेस करके अगर मैं यहाँ करूंगा ना तो ये देखना, ये देखेंगे, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे तो नहीं है ना मेरा सर्कल, ऐसे तो रोटेशन नहीं कर दी मैंने, तो नहीं ये तो नहीं हो सकता, कंट्रोल जी कर दिया। अब हम वाई में करने की कोशिश करते हैं, वाई में देखें, ये वाई में रोटेशन ऐसे हो रही है, ये देख रहे हैं, ऐसे करनी है रोटेशन मैंने, नहीं ऐसे भी नहीं करनी। अच्छा जी में रोटेशन करके दिखाता हूँ, ये देखें, आ है ना? तो बेसिकली अगर तुम देखो तो मैंने रोटेशन जो करनी है वो किस में करनी है, जी में करनी है। एवरीबडी इज विद मी, है ना? एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक यस यस है? यस सर। तो हम एक काम करते हैं, हम एक और स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसका काम नाम होगा रोटेटर, और वो हम इस सर्कल के ऊपर ऐड करेंगे, ठीक है? ये बात समझ आ गई? तो हम एक और स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सी शार्प स्क्रिप्ट, जिसका नाम है रोटेटर, ठीक है? रोटेटर, और रोटेटर अगर आप देखें मैंने इसे बेसिकली इसे डबल क्लिक करूंगा अभी तो ये मुझे इसमें इसमें खोल देगा,
ये मैंने खोला, डबल क्लिक किया जाके तो उसने खोल दिया। अगेन देखें ये मेरा मोनो बिहेवियर से इनहेरिट हो रहा है, स्टार्ट है और अपडेट है। मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फ्लोट बनाता हूँ। पब्लिक फ्लोट क्यों बनाया मैंने, ताकि वो वहां पर मुझे इंस्पेक्टर में नजर आए और मैं वहां से चेंज कर सकूं। और इससे मैं लिखता हूँ रोटेशन फैक्टर, ठीक है। और यहां जाता हूँ, यहाँ जाके बाय द वे मैंने ये जो रोटेशन फैक्टर है मैंने किस साथ अटैच करना है, ये मैंने स्मॉल सर्कल के साथ अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे देखने जाएंगे, आप मुझे रोटेशन नजर आ रहा होगा और मैं यहाँ पे इसको 100 ऐड करता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे जाके इसको रोटेशन ऐड करता हूँ। कैसे करूंगा, बेसिकली मुझे इसको रोटेट करना है। तो इसको रोटेट करने के लिए मुझे बेसिकली इसका ट्रांसफॉर्म चाहिए, ठीक है। तो मैं करूंगा, हाँ जी बताएं, जिसके ऊपर ये लगा हुआ है उसका मुझे ट्रांसफॉर्म चाहिए जी, वो कैसे लेंगे? सर स्मॉल सर्कल डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट जी को आप फिर उसको वैसे करने। सो लुक एट दिस, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट, ठीक है। और रोटेट में ना दो फंक्शन होते हैं, एक होता है वैसे दो तीन होते हैं, एक होता है जिसमें ना सिर्फ आप एक्स वाई जी वैल्यू, एक्स फैक्टर बताएं, वाई एंगल बताएं और जी एंगल बताएं। तो एक्स में जीरो एंगल हो, वाई में जीरो एंगल हो और जी में कितना हो रोटेशन फैक्टर, ठीक है, ठीक है, जो कि मैंने बाहर से सेट किया हुआ, ठीक है। अच्छा अब हम जाते हैं इधर, कैन यू टेल मी कि मेरी गेम अब क्या हो जानी चाहिए? तो लुक एट दिस, मैंने क्या किया, मैंने कहा है हर फ्रेम में जाके इसको रोटेट मार दो, कितना जो रोटेशन फैक्टर है जो मैंने 100 सेट किया हुआ। तो क्या हुआ जी, क्या हुआ सर? वही जो सर्कल है वो रोटेट होगा उस फैक्टर से स्क्रीन पे, बिल्कुल ठीक है। और लेकिन देखना कितना कितना बड़ा गंद होता है, ये देखें जी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देख रहे क्या हो रहा है, ये रोटेशन हो रही है लेकिन इतनी फास्ट हो रही है कि आपको तो लगता है बहुत ही तेज भाग रहा है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई? आपको मैंने बताया था कि ये जो अपडेट फंक्शन है ये कहां कॉल होता है, कब कब कॉल होता है? हर फ्रेम पे एक दफा, हर फ्रेम में कॉल होता है। आप रोटेशन करना चाहते हैं लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 100 डिग्री रोटेट करो हर फ्रेम में। ये तो हमारी हर फ्रेम, और एक सेकंड में पता नहीं 50 या 60 फ्रेम आते हैं, ये तो हमें कभी नजर ही नहीं आएगा। तो हम बेसिकली चाहते क्या है कि एक सेकंड में इतना रोटेट हो, कितना रोटेट हो, एक सेकंड में एक्चुअली इतना रोटेट हो। तो वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं ऐसे करूंगा कि इस चीज को हम करते करने के लिए क्या करते हैं, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये टाइम डॉट डेल्टा टाइम बेसिकली क्या चीज है, ये कहती है इसके ना दो बड़े बड़े फायदे। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक सेकंड में ये मल्टीप्लाई करने से होता ये है कि अब ऑटोमेटिकली ये फिगर आउट कर लेता है कि जो भी मशीन आप चला रहे हैं उस मशीन का फ्रेम रेट क्या है। हर मशीन का फ्रेम रेट डिफरेंट होता है, मेरी वेबसाइट मेरे मॉनिटर का डिफरेंट होगा, सेकंड दूसरा मॉनिटर है उसका डिफरेंट होगा, मेरे मोबाइल का डिफरेंट होगा। तो बेसिकली ये करता है, ये फिगर आउट करता है कौन सी एप्लीकेशन है उसके कोरिस्पॉन्डिंगली उसका फ्रेम रेट क्या है, वो वाली वैल्यू उठाता है जाके सिस्टम टाइम से, सिस्टम के फ्रेम रेट से, और उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है। तो उससे होता ये कि आपकी और मशीन है, मेरी और मशीन है, हर मशीन के ऊपर वो एक जैसी गेम दिखे। ये बात समझ आई, ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, यस सर। क्योंकि अदरवाइज होगा ये कि जिसका फ्रेम रेट ज्यादा है ना वो ज्यादा तेजी से चल रही होगी, और जिसका फ्रेम रेट कम है वो स्लो चल। तो इस चीज से मल्टीप्लाई करने से होता ही है कि सारी की सारी मशीन वो सारी ए, यानी जिसकी फ्रेम रेट 100 है वो थोड़ा उस पे ये आर फैक्टर ज्यादा स्मूथ होगा, वो दरमियान में सारे स्टफ लेता आएगा। जिसका फ्रेम रेट 50 है वो इससे डबल होगा, यानी जंप करता बढ़ा जाएगा। ये बात समझ आई? और आप देखना आप क्या होता है, ये देखें, ये देखें, मजार सीन हो गया, बाजार सीन हो गया। हाँ जी, कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? हाय 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 हाय, मजा आ रहा है वैसे। हाँ जी, आप क्या करना है? सर बॉल को इन चारों में से किसी एक कलर पे रैंडमली इनिशियलाइज करना। शाबाश, हमने बेसिकली बॉल को एक रैंडम कलर असाइन करना है, ठीक है। तो हम बॉल पे जाते हैं,
अब बॉल को कलर असाइन करना है हमने, ठीक है, तो कलर कैसे असाइन करना है यार, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीख लो, बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छा बाय द वे, मैंने इसका नाम ये ब्लू येलो वगैरह रख दिया, लेकिन पता नहीं इसका नाम पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, वो कलर मुझे पिक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छा यहाँ पे देखना मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना चार वेरिएबल बना रहा हूँ, इसका नाम देखो कलर, और कलर का नाम है बेसिकली ब्लू, येलो, और एक का नाम है जी, क्या नाम था सर, पिंक और पर्पल, ठीक है। ये मेरे चार कलर्स हैं और मैंने यहाँ पे इसको पब्लिक कर दिया। बाय द वे कलर जो है एक एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट यूनिटी इंजन में एक क्लास है, ठीक है। ये मैंने चार वेरिएबल बनाए, ठीक है। अच्छा ये सिर्फ मैंने वेरिएबल्स के नाम रखे हैं, इनको अभी तक इसमें क्या वैल्यू पड़ी होगी, इसमें क्या वैल्यू पड़ी होगी, कैन यू टेल मी, गार्बेज इसमें फिलहाल गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा आप देखना मैं क्या करता हूं, मुझे बेसिकली करना क्या है, एक रैंडम कलर सेलेक्ट करना है और बॉल के कलर को वो कलर असाइन करना है, ऐसे करना ना, ऐसे करना है ना, बॉल के कलर को वो कलर असाइन कर देना। डू यू अग्री यस विद दिस स्टेटमेंट, ठीक यस यस है। तो वो मैं करता हूं, ठीक है, और वो मैं कैसे करता हूं कि लुक एट दिस, तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम है वॉइड चूज रैंडम कलर, ठीक है। अच्छा ये करता क्या है, चूज रैंडम कलर ये करता है, पहले ना एक एक वो इंट इंडेक्स बनाता है जो कि बेसिकली रैंडम डॉट रेंज, रैंडम बेसिकली एक एक लाइब्रेरी अवेलेबल है यूनिटी के अंदर, उसके डॉट रेंज में दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक ये फ्लोटिंग वैल्यू जनरेट कर सकते हैं आप या इसको इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। तो मैं 0 से 4 कर देता हूँ, 0 से 4 क्यों, 0 से 3 क्यों नहीं, क्योंकि क्योंकि सर जो बेसिकली बेसिकली सेकंड वैल्यू हाँ एक्सक्लूसिव ये है। देखो ये नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रिटर्न ए रैंडम इंटीजर बिटवीन मिन इंक्लूसिव एंड मैक्स एक्सक्लूसिव, ठीक है, ये बात सुनाई। अच्छा यहाँ गए और अब हम देखते हैं कौन सा कलर है, तो स्विच यहाँ पे हम कर देते हैं इंडेक्स और हम देखते हैं कौन सा कलर है, तो केस 0 ये है, अब इसको हम ब्रेक कर देते हैं और इसमें हम करते क्या है कि अच्छा अब हमने देखो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने बेसिकली सर आज हमने अच्छा एक मिनट कितना सॉरी पढ़ाया, सर आज कितना पढ़ाएंगे आप? यार ये मैं इसको मूव करवा रहा हूं, तो मैं बेसिकली इसकी पहली स्टेज अब कंप्लीट करनी है, मुझे 15-20 मुझे 20 मिनट और चाहिए, ठीक है प्लीज ये 20 मिनट दे दो, ठीक है, या मैक्सिमम 30 मिनट हो, ऐसा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी काम करते हैं, ठीक ओके थैंक यू सर, थैंक है, रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट अच्छा अब हम क्या करते हैं, बेसिकली मुझे उस ऑब्जेक्ट का बॉल का कलर चेंज करना है। अच्छा दोबारा वापस मैं जा रहा हूं, अगर आप देखें तो बॉल में कलर कहाँ पड़ा होता है, किसके अंदर पड़ा होता है, स्प्राइट रेंडर, स्प्राइट स्प्राइट रेंडर रेंडरर के में। अंदर, तो बेसिकली मुझे स्प्राइट रेंडरर का रेफरेंस चाहिए, तो हम एक काम करते हैं कि इसके अंदर आके ना एक रेफरेंस बना देते हैं, पब्लिक स्प्राइट रेंडरर, ये स्प्राइट रेंडरर, यहाँ पे मैं एसआर बना देता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने पब्लिक किया है, मैं यहां जाऊंगा, यहां जाके मुझे देखिए स्प्राइट रेंडर का बॉल के ऊपर एक बॉल हैंडलर में यहाँ पे नजर आ रहा होगा, आ जा भाई आ जा, पब्लिक किया है मैंने, पब्लिक भी किया है, यहाँ आना चाहिए था, से कंट्रोल किया, कंट्रोल एस किया। अच्छा नहीं मैंने रोटेटर के अंदर डाल दिया स्प्राइट रेंडर, ये मैं गलत जगह नहीं कर रहा, ऐसे ये मुझे बॉल इसके में अंदर, ये करना, मुझे बॉल बॉल के में अंदर, करना चाहिए, ये मुझे बॉल के बॉल अंदर में करना करना। चाहिए था, एक गंदा बच्चा, तो मुझे ये कट किया मैंने, ये कट करके मुझे बॉल हैंडलर के अंदर ये डालना चाहिए, और ये जो मैंने फंक्शन बनाया ये मुझे यहाँ नहीं बनाना चाहिए, ये मुझे बॉल हैंडलर के अंदर बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तो बॉल का हमने रैंडम कलर देना ना, तो यहाँ जाते हैं आप देखते हैं मुझे बॉल के ऊपर नजर आना चाहिए स्प्राइट, ये देखिए ये स्प्राइट रेंडर नजर आ रहा है, और आप देखना ये देखो गौर से देखो अभी तक इसको नॉन असाइन हुआ, वो असाइन मैं बॉल को करूंगा यहाँ पे, लेकिन असाइन यहाँ पर बॉल नहीं होगी बल्कि बॉल में मौजूद स्प्राइट रेंडर इसको असाइन, ये देख बॉल के अंदर जो स्प्राइट रेंडर है वो उसको रेफरेंस है, ठीक है। मैं यहां गया, यहां मैंने क्या किया, अब मैंने एस आर डॉट कलर किया और उसकी वैल्यू असाइन कर दी, क्या अगर 0 हो तो मैंने ब्लू असाइन कर, डू यू अग्री, ठीक है, और
यहां गए यहां गए यहां गए, हाँ जी। अगर वो केस की वैल्यू वन हो तो इसको असाइन होना चाहिए येलो, और इसको क्या असाइन होना चाहिए, और सॉरी ये मैंने कलर भी वहां पे असाइन कर दिए थे गलती से, तो मुझे यहाँ पे इसे कट करना चाहिए, यहाँ पे पेस्ट करना चाहिए। और थ्री के टू के केस में क्या होगा, पिंक था पिंक, और फोर के केस में, थ्री के केस में क्या था, पर्पल था, ठीक है ठीक है। अच्छा अब मेरा एक आपसे सवाल है वो ये, इस वक्त मुझे ये बताएं कि ये जो रेड ब्लू पिंक पर्पल है ये क्या है, ये तो गार्बेज वैल्यूज है, तो बेसिकली मैं गार्बेज वैल्यू साइन कर रहा हूँ, ये तो नहीं होना चाहिए, ये बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। तो बेसिकली मुझे ये कलर असाइन करने हैं, और वो मैं कैसे असाइन करूंगा, वो बेसिकली मैं ऐसे करूंगा कि मैं ये देखे ये भी आ रहे हैं ब्लू येलो पिंक ब्लैक जो है, इन सब में वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो पड़ी हुई है, तो ये यहाँ पे सारे ब्लैक नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना ब्लू के लिए कलर पिक करता हूँ, ये ना ये राइट कॉर्नर पे आपको ये तुम्हें कलर पिकर नजर आ रहा है, ये बकायदा इंजेक्शन होता है ये पिक करता है। यस सर यस सर। ये मैं से पिक करूंगा ना तो बेसिकली ये कहेगा हाँ भाई अब तुम पिक करना शुरू कर दो, किस कलर को पिक कर, यहां मैं गया ये मैंने ब्लू पिक कर दिया, ये देखिए ये यहाँ पे ब्लू आ गया, मैं वहां क्लिक करूंगा जाके ब्लू पिक हो जाएगा, येलो के लिए देखे ये मैंने पिक कर किया, और जहां जहां जाता जा रहा हूँ वो वाला कलर पिक करता जा रहा है, तो यहाँ जाके मैंने येलो पे छोड़ दिया, यहाँ पे गया यहाँ पे मैंने ये क्या है पिंक ये वाला है, और ये पर्पल है और ये पर्पल आ गया, ये बात सुना ठीक है, ये मैंने कलर पिक कर लिया। तो इसमें अब छोटा सा एरर है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ क्या एरर आएगा, ठीक है, और वो एरर ये होगा। अच्छा आप एक काम करते हैं, अच्छा अब मैं आपको एक यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमने जब भी गेम स्टार्ट करनी है हम चाहते हैं बॉल के पास एक रैंडम कलर होना चाहिए, डू यू एग्री, डू यू एग्री? अच्छा याद है मैंने आपको बताया था अपडेट के बारे में, अपडेट कहाँ कहाँ कॉल होता है, पर फ्रेम एक दफा, पर फ्रेम कॉल होता है, स्टार्ट पता है कहाँ कॉल होता है, स्टार्ट कॉल होता है जब वो पहली दफा गेम चलती है, और वो ये वाला जो स्क्रिप्ट है वो चलता है। सो हम काम करते हैं स्टार्ट के अंदर इस फंक्शन को कॉल, तो इससे क्या होगा, क्या होगा बता सकते हैं आप सर, बॉल को कोई ने एक कलर असाइन, बॉल को कोई भी एक रैंडम कलर असाइन, सो लेट्स ट्राई टू चेक इट, ठीक है। अच्छा चला चला देखते हैं, यहां आ गए और यहां हमें चलाया, देखना क्या होगा, ब्लंडर होगा ब्लंडर, ये मैंने किया है उसमें दो घंटे लगे, हाँ ये बॉल नजर नहीं आ रही है ना। अच्छा मैं कहता हूँ इसका तो इसको स्टॉप कर देता हूँ, देखता हूँ बॉल है भी सही है नहीं, ये देखिए ये मैंने प्ले किया और मैं जाके इसको देख रहा हूँ, ये देख रहे, और ये मैं इसको फ्रेम बाय फ्रेम चलाता हूँ, ये देख रहे नीचे जा रही है, नीचे जा रही है ना, लेकिन ये बॉल नजर क्यों नहीं आ रही, ये बॉल नीचे जा रही है देख रहे फ्रेम बाय फ्रेम, लेकिन ये नजर क्यों नहीं आ रही, मेरा सवाल ये इसलिए नजर नहीं आ रही कि बेसिकली जितने भी कलर है ना इन पे क्लिक करो जाके, ये देखो ये क्लिक किया मैंने, इसमें ना बेसिकली एक होता है रेड ग्रीन और ब्लू और एक होता है अल्फा फैक्टर, अल्फा फैक्टर बेसिकली होता ये है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है, अगर वो जीरो होना तो वो कलर ट्रांसपेरेंट बन जाता है, अब क्योंकि वो जीरो हुआ है तो बेसिकली बॉल हमें नजर नहीं आ रही, हमें क्या करना चाहिए इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा लेना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसी तरह ये हमने कर लिया, इसको हमने बंद कर दिया, इस तरह हम इधर गए, इधर भी जाके हमने इसकी अल्फा की वैल्यू बढ़ा दी, इधर गए इसके भी अल्फा की वैल्यू बढ़ा दी, इधर गए और इसकी भी अल्फा की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है, और अब हमें ये नजर आना शुरू हो जाएगा, ये देखें ठीक है, डज इट मेक सेंस? हाँ जी। अब मुझे क्या करना है, अगला काम क्या होना चाहिए, अगला काम मैचिंग कलर्स होना चाहिए, अब मुझे बेसिकली फिगर आउट करना है कि जिससे वो हिट कर रहा है उस हिटिंग को मैं इनेबल करना चाहता हूँ, ये बात समझ आ गई, उस हिटिंग को मैं इनेबल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देखना मैं काम करता हूँ, ये जो मेरी बॉल है ना, मैं इस बॉल के ऊपर अब बेसिकली मुझे कुलियन इफेक्ट को डिटेक्ट करना है, ये बात समझ आई, ये बात समझ आई या नहीं आई मुझे बताया, कि मैंने बेसिकली कुलियन इफेक्ट को डिटेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा कुलियन इफेक्ट के लिए बेसिकली एक पूरा का पूरा एक एक स्क्रिप्ट है जो कि बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, इसे कहते हैं
कोलाइडर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल बॉल पे जाता हूँ और बॉल पे जाके मैं यहाँ पे कोलाइडर लिखता हूँ, ठीक है। हमारी बॉल के ऊपर कैसा कोलाइडर होना चाहिए जो कि उसकी सरफेस, बेसिकली कोलिजन होता है उसकी पूरी सरफेस पे कहीं पर भी हिट करे तो कोलाइड हो जाना चाहिए ना। तो मुझे बताएं बॉल जो है उसके ऊपर कैसा कोलाइडर लगना चाहिए। सर्कल कोलाइडर, 2D सर्कल कोलाइडर लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि बेसिकली उसकी शेप सर्कल की तरह की है, ये बात समझ आई? तो यहाँ पे कहीं सर्कल कोलाइडर नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। तो ये देखो मैंने इस बॉल के ऊपर बेसिकली क्या कर दिया, सर्कल कोलाइडर बना दिया। मुझे सीन व्यू में जाके मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पे ये नजर आएगा बकायदा, ये किधर गया सर्कल कोलाइडर, ये रहा कोलाइडर। तो ये आप देख रहे हैं एक मसला है, क्या मसला है? वो कोलाइडर इसने उसकी सर्फेस के अराउंड लगाया है, क्या मसला है सर? वो एग्जैक्ट उस पे नहीं है। हाँ, वो एग्जैक्ट उस पे नहीं है। तो उसको एग्जैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इसके ना इसके सर्कल कोलाइडर का रेडियस कम कर देते हैं। ये 0.1 हुआ है, कितना कर दे तो ये तकरीबन थोड़ा सा अंदर अंदर हो जाए, 0.01 कर दे, 0. मैं 5.5 के फारे बताऊंगा, ठीक है 0.08 कर देते हैं। ये देखिए अभी तक छोटा हो गया, ठीक है। Yes. तो ये बेसिकली हमारा कोलाइडर हो गया, does it make sense? ठीक है। अच्छा ये मैंने इसके ऊपर कोलाइडर लगाया और मैंने इसके ऊपर कोलाइडर लगाया, इसके ऊपर कोलाइडर लगाया अभी तक स्मॉल सर्कल पे नहीं लगाया, नहीं लगाया। तो अभी भी देखना कुछ भी नहीं होगा मेरे साथ, देखना चलाते हैं ये तो अभी भी पास थ्रू कर रहा है, बात समझ आई? अच्छा एक काम और करते हैं, वो ये कि हम उसके ऊपर भी कोलाइडर लगा देते हैं, सर्कल के ऊपर भी कोलाइडर लगा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ गए और यहाँ जाके हमने सर्कल के ऊपर भी कोलाइडर लगा दिया। अब मसला ये है कि सर्कल के ऊपर कौन सा कोलाइडर लगाएं, बताएंगे क्या सर्कल कोलाइडर लगा दें या मुझे हर एक पीस का अलग अलग कोलाइडर लगाना पड़ेगा? हर एक पीस का अलग अलग कोलाइडर लगाना पड़ेगा। क्यों? अगर मैंने इसके ऊपर गठा लगा दिया तो फिर तो ये कहीं भी टच होगा तो पता लग जाएगा कि भाई टच हुआ है, लेकिन हमने फिगर आउट करना है कि किस कलर कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। हाँ, हम कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो हमें बेसिकली हर एक का अलग अलग कोलाइडर लगाना पड़ेगा। तो मैं अब ब्लू पे जाता हूँ, इस पे जाके कोलाइडर कौन सा लगाऊं ये बताएं? सर्कल तो नहीं लगा सकता, वो सर्कल लगाऊंगा तो ये तो पूरी इस रीजन की सर्कल बना देगा। एज कोलाइडर लगा दें, एज कोलाइडर लगा तो मुझे सारी एज बतानी पड़ेगी यार, ये एज है कैसा, कोई और बताए। ये देखो अगर मैं बॉस कोलाइडर लगाऊंगा ना तो ये ऐसा बना देगा, यानी वो अगर यहां पर भी बॉल आएगी तो वो कहेगा टच हो गया, ये तो नहीं हुआ टच, तो ये तो नहीं बनाना मैंने, ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये बॉस कोलाइडर तो नहीं लगा सकते सर। पॉलीगॉन कोलाइडर, पॉलीगॉन कोलाइडर लगाते हैं, शाबाश। देखो ये पॉलीगॉन कोलाइडर देख रहे हैं कितना मजेदार सा बना हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा है ना, ये थोड़ा सा इरेगुलर है, इसको आप चाहें तो मूव करके छोटा छोटा भी कर सकते हैं, वो कोई उसका कोई होगा चेंजेस करने वाला, ठीक है वो आप देख लीजिएगा। तो मैंने इसके ऊपर भी पॉलीगॉन लगा दिया, मैंने तीनों के ऊपर लगाना है तो मैं ये शिफ्ट करके तीनों प्रेस करता हूँ एंड पे आके और इन सब पे एड कंपोनेंट इकट्ठा ही करता हूँ पॉलीगॉन कोलाइडर। तो ये चारों के ऊपर बेसिकली अब ये जो है मेरे कोलाइडर आ चुके हैं, ठीक है। और अब मैं चलाता हूँ, ये देखें ये जा रहा है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये एक छोटा सा मसला हुआ है। क्या मसला हुआ है, क्या मसला हुआ है? एक्स एक्सिस चेंज कर रहा है, एक्स एक्सिस चेंज कर रहा है, बॉल का एक्स एक्सिस चेंज नहीं होना चाहिए। तो बॉल पे जाते हैं इसकी हम इधर कहीं होगी रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रेंट होगी, रिजिड बॉडी पे जाते हैं यहाँ कहीं कंस्ट्रेंट है, देखो ये है कंस्ट्रेंट और यहाँ पे होता है फ्रीज पोजीशन। मुझे एक्स को फ्रीज करना चाहिए वाई को या जी को? एक्स को और जी को, एक्स को और जी को फ्रीज कर देना चाहिए। अब अगर मैं देखें चलाऊंगा तो ये कुछ नहीं होगा, ये यहीं पर ही खड़ा है, ठीक है, does it make sense? चलें हम यहाँ आ गए, लेकिन हमने तो ये नहीं करना था, हमने क्या करना था बता सकते हैं आप? मैचिंग कलर से पास होना चाहिए, हमने जिसके साथ वो उसके साथ वो हिट हुआ है हमने वो निकालना है। और दूसरी बात ये कि हमने बेसिकली हमने कोलिजन जो है वो चेक करनी है, आई एग्री, लेकिन हमने ये नहीं करना कि वो बॉल जो है वो इसे टकराने के बाद रुक जाए, इससे पास थ्रू करे, है ना। तो हमें बेसिकली एक काम करना पड़ेगा कि हम जाते हैं यहाँ पे सर्कल कोलाइडर के ऊपर
और इसका इज ट्रिगर ऑन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इज ट्रिगर ऑन करने से देखना क्या होता है, देखना क्या हो रहा है। अब ये इसमें से पास थ्रू करता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन पास थ्रू तो करता है, लेकिन ना एक और फंक्शन होता है मोनो बिहेवियर के अंदर ही, जो कि आप चाहें तो लिख सकते हैं कि बेसिकली वो बाय डिफॉल्ट कॉल होता है अगर 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 ये किसी ऑब्जेक्ट से हिट करेगा। तो अब देखना, मैं बॉल हैंडलर पे दोबारा आता हूं, ठीक है, और यहां पे जाके एक फंक्शन लिखता हूं जिसका नाम होता है ट्रिगर एंटर, ऑन ट्रिगर एंटर 2D। क्लिक करेंगे खुद ब खुद इसको डेफिनेशन को लिख देगा। ये बेसिकली कब कॉल होता है कि जब हमारे जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये बॉल हैंडलर लगा हुआ है, अगर अगर गौर से सुने, अगर ये किसी से हिट होगा तो जिससे ये हिट हुआ है उसका ऑब्जेक्ट इसमें पास होगा और ये इसके अंदर आ लेगा, ठीक है। सो एक बात बताएं, इस ये जो बॉल के ऊपर जब ये हमने इसको लगाया हुआ है, तो ये जो ऑन ट्रिगर एंटर 2D है, ये बताएं ये कुलियन में क्या आ रहा होगा, कुलियन में बॉल आ रही होगी या कुलियन में इनमें से जिससे वो हिट होगा वो आ रहा होगा। जिससे हिट हुआ होगा वो आ रहा होगा, जिससे हिट होगा वो आ रहा होगा। तो हमने बेसिकली ये देखिए, हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, हम अगर हिट हो ना तो हम देखना चाहते हैं किससे हिट हुआ है। सो हम यहाँ पे करते हैं debug.log और यहाँ जाके ना इसका नाम रखते हैं collision.name, ठीक है। तो जिससे हिट होगा उसका नाम पता लग जाएगा। ये बेसिकली debug.log क्या होता है, ये ना एक स्क्रीन होती है जिसे कहते हैं कंसोल स्क्रीन, ये कंसोल स्क्रीन, ये इसके नीचे ना बता देगा कि बेसिकली किससे हिट हो रहा है। सो लुक एट दिस, अब देखना क्या हुआ, ये देखिए ये किससे हिट हुआ, ये नीचे दिखा रहा है, ये देखिए ये येलो से हिट हुआ, ये पर्पल से हिट हुआ, ये पिंक से हिट हुआ, ये बात समझ आ रही है। और ये ना ये तरतीब से इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने कोलैप्स किया हुआ, तो मैं कोलैप्स खत्म कर दूंगा तो बेसिकली ये बता रहा होगा कि मैंने किस किस से हिट किया, ठीक है ना। ये जिससे हिट होता जा रहा था आपसे बताता जा रहा था, ठीक है। ये कोलैप्स होता है कि बेसिकली ये उन मैसेजेस को, ये देखो ये यहाँ बता रहा है, ये राइट साइड पे ये देख रहे हैं, ये देखें ये बता रहा है कि ये 4 दफा हिट हुआ है ब्लू से, येलो से 5 दफा हिट हुआ है, तो सेम मैसेज को वो एक ही दफा दिखाता है, ठीक है। Does it make sense? अच्छा, अब बेसिकली मुझे करना क्या है, बाय द वे एक और चीज भी देख लें कि मैं जब भी गेम स्टार्ट करता हूं मेरा कलर डिफरेंट होता है बॉल का, ये देखें ये है अश्वत क्या है, पर्पल है। ये मैंने दोबारा स्टार्ट की, अब देखना क्या होता है, आई होप कि पर्पल नहीं होगा। अब ये देखें आप कलर कोई वो दूसरा वाला है, ब्लू वाला है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, अब बेसिकली मुझे करना ये है कि मुझे फिगर आउट करना है कि ये किस किस से हिट हुआ है। अच्छा, नाम तो मुझे पता लग गया है, ठीक है, लेकिन मैं नाम से ये काम नहीं करना चाहता। मैं अगर ब्लू से हिट हो या येलो से हिट हो, अच्छा मैं ना इसे फिगर आउट करना चाहता हूँ किससे हिट हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो ब्लू येलो पिंक वगैरह है ना, ये नाम बड़े सिंपल नाम नहीं है, ये बड़े यानी अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा था, देख रहे ना ये लॉग में प्रिंट कर रहा था, कंसोल गायब हो गई, मैं दोबारा चलाता हूँ, ये देखते हैं क्या नजर आता है यहाँ पे, क्या नजर आ रहा है, ये मैंने हटा दिया था, मैंने हटा दिया दोबारा चला दिया, यहाँ गया, देख रहे हैं debug.log में क्या आ रहा है, ब्लू लिखा हुआ आ रहा है कि ब्लू से हिट हुआ है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं एक काम ये करते हैं कि ना ये जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं ब्लू येलो पिंक और ब्लू, इनके ऊपर ना ऐसा करते हैं टैग लगा देते हैं। और टैग क्या होता है, वैसे तो नाम से भी हम फिगर आउट कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप ऐसा करें इसके ऊपर ना एक टैग लगा दें, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसके ऊपर ये अभी तक ये देखिए अनटैग्ड आ रहा है, तो मैं ना इसके ऊपर टैग लगा सकता हूँ। कैसे, यहाँ पर आप राइट क्लिक कर, यहाँ पे क्लिक करके ऐड टैग करते हैं, और मैं यहाँ पे ना ऐसे करता हूँ 4 टैग ऐड करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल एक करता हूँ ब्लू, एक और ऐड करता हूँ येलो और फिर एक करता हूँ पिंक और एक और टैग ऐड करता हूँ पर्पल, ठीक है। और अब मैं ब्लू पे जाता हूँ
और वो जो अनटैग्ड है उसको जाके मैं ब्लू कर देता हूँ, येलो को जाके मैं येलो कर देता हूँ, पिंक को जाके मैं पिंक कर देता हूँ, और पर्पल को जाके मैं पर्पल कर देता हूँ, ठीक है। और एक काम हम और करते हैं, वो ये कि जो हमारा बॉल हैंडलर है उसमें ना एक स्ट्रिंग रख देते हैं और इसका नाम रखते हैं जाके प्लेयर कलर, ठीक है। और इसके भी स्ट्रिंग सेव कर लेते हैं कि जो भी रैंडम कलर चूज होता है ना, साथ ही हम उसको स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं कि भाई ये ब्लू है, ठीक है, और ये येलो है, और ये पिंक है, ठीक है, और ये पर्पल है, ठीक है। और हम एक काम करते हैं जाके कि यहाँ कुलियन में जाके हम चेक करते हैं इफ, हाँ जी, जिससे कुलियन वाला जाके टकरा, जो जिससे जो प्लेयर का इस वक्त कलर है जो कि ये है, हम चेक करते हैं क्या प्लेयर का कलर क्या डबल इक्वल टू है कुलियन जिससे हुआ है उसके टैग के बराबर। अगर वो इसके बराबर है तो फिर तो गेम चलते रहनी चाहिए, लेकिन अगर नॉट इक्वल हो तो क्या होना चाहिए, डीबग डॉट लॉग क्या होना चाहिए बता सकते हैं आप? डू यू अग्री कि गेम ओवर हो जाना चाहिए ना? तो हम यही काम करते हैं, यहां गए, यहां चलाया, ये देखें गेम ओवर लिखवाया, नहीं आया, नहीं आया ना, आप देखें गेम ओवर लिखवा, ठीक है, समझ में आ गई बस, ठीक है। तो गेम ओवर हो गया, लेकिन गेम ओवर हमने ऐसे नहीं करना, हमने बेसिकली क्या करना है, हम चाहते हैं कि यही सीन दोबारा से लोड हो जाए, क्या हो जाए, यही सीन दोबारा से लोड हो जाए। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट, ठीक है, ये ऊपर जाके एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है, और यहाँ जाके आपको लिखना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी कैच है जो कि आपको पकड़ना पड़ेगा, और वो ये कि यहाँ पे आप जाके लिखेंगे सीन मैनेजर डॉट डॉट लोड सीन, और यहाँ जाके आप जीरो दे देंगे, जीरो का मतलब है जीरोथ सीन, ठीक है। और एक छोटा सा बात है वो ये कि यहाँ पर आप जाके फाइल में जाएंगे, और फाइल में जाके आपको करना पड़ेगा कहाँ जाके करना पड़ता है, बिल्ड सेटिंग, और यहाँ जाके ना इस सीन को ड्रैग करके ड्रॉप कर दें, जब ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो ये बेसिकली ये जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है ना। सो जौन सा सीन आप लोड करना चाहते हैं वो वाला सीन यहाँ पे ड्रॉप कर दें तो बेसिकली वो वाला सीन आ जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सीन एक सीन की जगह दूसरा सीन भी डालना है तो वो आप सीन नंबर टू बनाएंगे, वो आप उसका लोड कॉल कर देंगे तो बेसिकली वो वाला सीन लोड जाएगा। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आपने स्टेजेस बनानी है तो इस तरह आप एक और सीन बना सकते हैं, उसके अंदर जो 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 अपडेट डालने हैं, डिफरेंट तरह की चीजें डालनी है, और बेसिकली उसके अंदर उसका लोड डाल देंगे तो वो बेसिकली बड़ा आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? सो लुक एट दिस, अब इसके करने से क्या होगा, अभी देखें क्या हो रहा है। ये मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ये हिट करूंगा ये बुरा सीन हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो वी आर डन विद दिस। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली कलर चेंजर बनाना है। अब कलर चेंजर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं बेसिकली एक और नॉब बना देता हूँ, ठीक है। और एक और नॉब कैसे बनाएंगे, क्रिएट टू डी ऑब्जेक्ट, स्प्राइट बनाते हैं, और यहां पर इसका नाम रख देते हैं क्या, कलर चेंजर, ठीक है, कलर चेंजर। और यहाँ जाके इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पर ही है कलर चेंजर। इसकी मैं पोजीशन जाके उठा के यहां से यहां रख देता हूँ, और इसका स्प्राइट में जाके सेट कर देता हूँ दोबारा से कलर, क्या रखें इसका नाम, स्प्राइट, नौ भी रख देते हैं, हाँ नौ भी कर देते हैं, ठीक है, और नौ कर देते हैं। इसका बेशक इसका स्केल थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 3x3 कर देते हैं, थोड़ा सा नजर आए, और बेशक इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है, फिर ऐसे कलर इसको टकराए वो चेंज हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम करना क्या चाहते हैं, जैसे इसको टकराए इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कलर तो चेंज हो, लेकिन साथ एक और काम भी होगी, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाती है, हम चाहते हैं कि जैसे मिडिल स्क्रीन को क्रॉस करे ना, जैसे वैसे कैमरे को जैसे वो क्रॉस करे, तो कैमरे को बेसिकली इस बॉल को फॉलो करना चाहिए, डू यू अग्री,
जैसे 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 बॉल बॉल ऊपर जाती जाएगी तो पता लगेगा कैमरा वहीं का वहीं खड़ा हुआ, तो नजर आना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। यस यस देखो ना, अभी 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 तो ऐसा ही हो रहा है, अभी तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, कैमरा वहीं का वहीं खड़ा है, वो जनाब नजर नहीं आएगा। मैं देखना, ये देखना क्या होता है, हम ऊपर जाएंगे लेकिन वैसे की नजर नहीं आएगा। और चला दे यार तेरी मेहरबानी। ये देखे मैं ये ऊपर जा रहा हूँ, और अभी तो ये वो लगा हुआ ना, ये क्या हुआ, ये इस पे क्यों हिट कर रहा है? ओ मैंने इस ट्रिगर सबका ऑन करना था, मैंने सबका ऑन नहीं किया। तो स्मॉल सर्कल पे गए, यहाँ जाके मैंने सिर्फ ब्लू वाले का इस ट्रिगर ऑन किया था, इसका मैंने इस ट्रिगर ऑन किया था। सर आपने बॉल बॉल का नहीं, सॉरी वो तो गेम है वो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो ये हो रहा है ना, ये तो मैंने गेम का वो कर दिया ना, सॉरी सॉरी, इस ट्रिगर नहीं है ये, बेसिकली गेम का रीलोड है। ये आ गया, ये आ गया, और ये देखेंगे अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे फॉलो थ्रू करवाना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसे करते हैं, फॉलो थ्रू का एक स्क्रिप्ट बना देते हैं। सो प्रोजेक्ट में गए, यहाँ गए, यहाँ जाके क्रिएट न्यू सी शार्प का नाम बदलते हैं फॉलो थ्रू, ठीक है। यार एक तुम्हें एक मसला नजर नहीं आ रहा कि मसला एक छोटा सा, क्या बोला, ये ना सारी चीजें इकट्ठी होती जा रही है। तो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज कि यहाँ पे आप ऐसा करें, एक फोल्डर बनाए, इसका नाम रखें स्क्रिप्ट्स, ठीक है, और ये जितने भी स्क्रिप्ट्स है ना, ये स्क्रिप्ट इसमें डाल दें, और इस तरह ये आप इसमें डाल दें, ठीक है, इस तरह ये आप इसमें डाल दें, और ये आप इसमें डाल दें, और इस तरह जो इमेजेस वगैरह वो एक और इसमें डालें, ठीक है। इट्स नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप इसको सारे को एक जगह क्लटर कर दें, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट पड़े होने चाहिए, ठीक है, ये अच्छा होता है। अगर ये फॉलो थ्रू है, फॉलो थ्रू में जाते हैं, और यहाँ पे देखना जाके हम क्या करते हैं, अपडेट में जाते हैं, हमें बेसिकली किसकी चाहिए, हमें प्लेयर की लोकेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, पब्लिक ट्रांसफॉर्म बनाता हूँ, ट्रांसफॉर्म बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ प्लेयर, यानी बॉल लोकेशन, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट में आके चेक करता हूँ कि अगर मेरे बॉल की लोकेशन जो है उसकी पोजीशन डॉट वाई की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए किसकी। अब देखो ये लगाना मैंने किसके ऊपर है, कैमरे के ऊपर लगाना, तो मैं कहूंगा कैमरा, यानी कैमरे की जो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू है डॉट पोजीशन डॉट वाई, अगर ये मेरी वैल्यू उससे ग्रेटर देन हो जाए तो मुझे अब उसको ये बात समझ में आ गया ना कि मैंने फॉलो थ्रू का ये किस पर लगाना है, ये जो फॉलो थ्रू का स्क्रिप्ट है ये मुझे किस पर लगाना पड़ेगा, मैंने किसको साथ साथ लेके जाना है, बॉल अगर ऊपर जा रही है तो मैंने किसको साथ साथ लेके जाना है, कैमरे को, तो ये कैमरे पे लगेगी। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि ये बॉल की लोकेशन जो है जिसका रेफरेंस मैं अभी असाइन करूंगा, मैं आप क्या कह रहा हूँ, कैमरे, ये जब मैं डिस्क के ऊपर ये लगा होता है उसका ट्रांसफॉर्म जो होता है ना वो बेसिकली उसकी लोकेशन बता रहा है। तो ये कैमरे की लोकेशन का की पोजीशन का डबाय देख रहा है, अगर ये इसके बराबर है तो क्या करो, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन को क्या कर दो, चेंज कर दो इंटू न्यू वेक्टर 3, ये 3D में होता है, ठीक है, कैमरा तो 3D में पड़ा हुआ ना, जी एक्सिस जो है वो हमेशा बड़ा होता है, ये देखें जो कैमरा होता है ना ये 3D में पड़ा होता है, और इसका जो जी की वैल्यू होती है ना वो -10 होती है, ठीक है, क्योंकि वो उसने ऊपर होना हुआ होता है, जी वाइज ऊपर से वो देख रहा होता है ना नीचे। तो इसकी बेसिकली क्या हुआ, इसकी जो एक्स की पोजीशन है वो वही होगी जो कि ट्रांसफॉर्म की है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स होगा, और इसी तरह इसकी जो जी की पोजीशन है वो भी वही होगी, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट जी, ये नहीं चेंज होना, जो चेंज होना है वो क्या होना है कि जो प्लेयर का वाई है, यानी बॉल लोकेशन डॉट पोजीशन डॉट वाई, ठीक है, देखते हैं ये फॉलो थ्रू करता है नहीं करता, आप देखते हैं। आए यहाँ पर, हमने अभी तक मसला ये होगा कि बेसिकली, हाँ जी चलाएंगे तो चलेगा या नहीं चलेगा, ये चलेगा या नहीं चलेगा, इसे चलना चाहिए ना, लेकिन ये नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, कैन यू टेल मी, हमने अभी तक कैमरे के ऊपर लगाया ही नहीं है, ये स्क्रिप्ट हमने लिखा तो है लेकिन क्या स्क्रिप्ट हमने इसके ऊपर लगाया है, समझ में आ रही है नहीं आ रही, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि हमने ये कैमरे के ऊपर, हमने ये फॉलो थ्रू स्क्रिप्ट लिख तो लिया लेकिन हमने क्या इसके ऊपर ऐड किया है? नहीं किया। तो ऐड करने के मल्टीपल तरीके हैं, या तो आप इसको यहां से ड्रैग करके यहां ड्रॉप कर दें,
कैमरा ऊपर से आपने सेलेक्ट किया, या आप कैमरे पर ड्रॉप कर दें तो भी ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ड्रॉप कर दिया, अब इसको बॉल की लोकेशन चाहिए, तो बॉल को उठा के यहाँ से यहाँ पे करेंगे तो उसकी लोकेशन आ जाएगी। एंड नाउ लुक एट दिस, ये देखें जी, ये ओहो यार आई हेट दिस। ये देखें जी, ये देखें जी, साथ चलना शुरू हो गया। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, सो ये हमारी गेम अब बन गई है। अब मैं बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली अब मुझे काम रह गया वो कलर स्विच करेंगे। कलर स्विच में बेसिकली क्या करें, जैसे मैं इसको हिट करूं तो बेसिकली मुझे कलर स्विच करना चाहिए। सो बेसिकली मुझे इस जो कलर चेंजर है इसके ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली कोलाइडर लगाना पड़ेगा। कौन सा कोलाइडर लगाएंगे? अगर कोलाइडर ट्रूड लगा देंगे। ठीक है, जैसे इसको हिट करे कलर वो हो जाए। ठीक है, तो जैसे हिट करे तो मैं कलर चेंजर बना लेता हूँ और देखना मैं क्या करता हूँ बॉल पे। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको बड़ा मजेदार काम करता हूँ, इसको मैंने फिगर आउट करना है कलर चेंजर को हिट हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक और इसके ऊपर एक टैग लगा देता हूँ, क्या नाम रखता हूँ, कलर चेंजर। ठीक है, और सॉरी इसको मैंने दोबारा से माइनस किया, रिमूव एड किया, इसका नाम रखता हूँ कलर चेंजर। यार क्या बकवास है, इसको चेंज नहीं कर सकते? माइनस माइनस हद हो गई यार। अच्छा यहाँ पे मैं दोबारा गया, इसका नाम रखता हूँ कलर चेंजर। मैंने एक और क्या कर दिया, मैंने एक और लेबल ऐड कर दिया और इस कलर चेंजर पे गया और जाके इसके ऊपर टैग कर दिया कलर चेंजर के नाम से। ठीक है, अब मैं करना क्या चाहता हूँ, जैसे ये बॉल इस कलर चेंजर को हिट करे तो बेसिकली क्या करे वो अपना बॉल अपना कलर चेंज कर दे। ठीक है, तो याद है मैंने ये हमने बॉल हमने बेसिकली हमने ये बॉल हैंडलर बनाया था ना, बॉल हैंडलर में हमने लिखा हुआ था क्या कि अगर उसका टैग ना मैच कर रहा हो कोलाइजन में तो बेसिकली हमने इसको कहा था कि बेसिकली क्या कर दो ये कर दो। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जिसके साथ वो कुलियन कर रहा है, तो जो कुलियन जिससे वो कुलियन कर रहा है उसका जो नेम, बल्कि नहीं नेम नहीं टैग, उसकी वैल्यू को हम देखते हैं कि क्या वो कहीं ये तो नहीं है। अगर वो कलर चेंजर के बराबर है तो देखना हम क्या करते हैं, एक तो हम रिटर्न कर देते हैं, दूसरा हम एक काम करते हैं, ये जो रेंडम कलर चूज है ना ये दोबारा कॉल करते हैं। कैन यू टेल मी कि इसके करने से क्या हुआ, कैन यू टेल मी कि क्या हुआ? सो मैंने क्या किया, मैंने कहा बेसिकली जैसे ये इससे हिट करे, जैसे ही ये इससे हिट करे कलर चेंज होगा, जैसे ही इससे हिट करेगा तो वो उसका कलर मैच करेगा क्योंकि उसकी टैग की वैल्यू उस कलर चेंज के बराबर है, तो उसे क्या करेगा वो रैंडम वो बॉल का कलर चेंज कर देगा, चेंज रैंडम कलर कॉल कर देगा। सो लुक इन दिस, क्या इफेक्ट होता है, ये देख कलर चेंज हो गया, ये कलर चेंज हो गया, जैसे जैसे दोबारा दोबारा आएगा कलर चेंज होगा, कैसे इसको पास थ्रू करेगा कलर चेंज होगा। ये बात समझ आई क्या नहीं समझ आई? अच्छा होना ही चाहिए कलर चेंज होने के फौरन बाद वो जो कुलियन है इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। ठीक है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे डिस्ट्रॉय कॉल करता हूँ और डिस्ट्रॉय में यहाँ पे मैं कुलियन दे देता हूँ। ठीक है, कैन यू टेल मी ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ, कैन यू टेल मी ये क्या हुआ, डिस्ट्रॉय कुलियन क्या हुआ, कुलियन क्या है, कुलियन इसका बेसिकली कोलाइडर का ऑब्जेक्ट है ना, ये कोलाइडर का ऑब्जेक्ट हमने कहां लगाया था, इस कलर चेंजर पे लगाया था। ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब डिस्ट्रॉय कुलियन करो तो बेसिकली ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करो, इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये है कि बेसिकली कलर चेंजर को डिस्ट्रॉय ना करो बल्कि कलर चेंजर के ऊपर ये जो हमने सर्कल कोलाइडर बनाया था ये डिस्ट्रॉय करो। तो क्या बताओ ये रेड डिस्ट्रॉय होगा, ये जो रेड ऑब्जेक्ट है ये डिस्ट्रॉय होगा या नहीं होगा, ये शायद नहीं होगा लेकिन बाद में कोलाइड कोलिजन से बाद में कलर चेंज भी होना स्टॉप हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज आपका ये कोलाइडर डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ठीक है, सो लुक एट दिस क्या होता, या अब मैं ऊपर जाता हूं, यहां आए, यहाँ
ये देखिए ये कलर चेंज हो गया, लेकिन अब ये इसके अंदर दोबारा गुजर रहा है, लेकिन यहाँ और राइट साइड पे देखें, यहाँ पे आपको कहीं, यहाँ पे आपको कहीं कलर कोलाइडर नजर आ रहा है? कोलाइडर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है। ठीक है, होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था बेसिकली हमें कोलिजन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था, बल्कि कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। ये जिसके ऊपर लगा हुआ है, ये जो कोलाइडर 2D जिसके ऊपर लगा हुआ है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आप देखना चाहते देखना क्या होता है, यहां पर आए और ये देखिए डिस्ट्रॉय हो गया, कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, सो अब बड़ा मजेदार काम हो सकता है, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा स्मॉल सर्कल था ना, मैं इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ। सो ये देखिए ये डुप्लीकेट कॉपी बनी, इसका मैं नाम जाके चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है, ये सर्कल मैं एंटी क्लॉक वाइज कर देता हूँ। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू को मैं 100 नहीं करता, बल्कि मैं -100 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं उठा के यहां से यहां ले आता हूं। ठीक है, इसको मैं उठा के यहां से ये है ना, इसको मैं उठा के यहां से यहां ले आता हूं। और इसी तरह मैं इसी की एक और डुप्लीकेट कॉपी बना देता हूं, डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूं, और इसकी मैं स्पीड बढ़ा देता हूं। ठीक है, इसको मैं कहता हूं फास्ट। ठीक है, और इसकी मैं स्पीड बढ़ा के रखता हूँ -200 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, और यहां पर भी मैं बेसिकली एक कलर चेंजर रख देता हूँ। जो कलर चेंजर है इसकी भी मैं डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैं इसका नाम रख देता हूँ क्या, कलर चेंजर 2। ठीक है, और इसको मैं यहां से उठा के लेके जाता हूँ और इसको मैं इनके दरमियान में रखता हूँ। ठीक है, और इसी तरह मैं एक और सर्कल बना लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ, ये डुप्लीकेट बनाया मैंने, इसका मैंने नाम रखा बिग सर्कल, या इसको मैं इधर ले जाता हूँ यहाँ पर, और एक और बना लेता हूँ ये कंट्रोल डुप्लीकेट, और इसको मैं नाम रख देता हूँ, और एक और गेम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्रिएट एम्प्टी, और इसका नाम रखते हैं जी बिग सर्कल। ठीक है, और इन दोनों को इसको पहले उठा के मैं ले जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, और इन दोनों को मैं उठा के इसके अंदर ले जाता हूँ, और इस बड़े वाले को जाके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा कैसे करता हूँ कि ये जो स्केल है इसे कहते हैं ये स्केल है, इसको मैं जाके बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और ऊपर वाले को मैं -200 से रिमूव कर, बल्कि -100 से करता हूँ रोटेट, और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ +100 से। ठीक है, बल्कि इसको मैं +80 से कर देता हूँ। ठीक है, ये बाहर वाला है। ठीक है जी, 70 से कर देता हूँ। ठीक है, और इधर भी दरमियान में गेम चेंजर ले आता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, ये है ना, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, उसको मैं चेंजर 3 रख देता हूँ नाम इसका 3, और इसको मैं उठा के यहाँ से, सॉरी इसको मैं उठा के यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है जी, वाह जी वाह, हमारी गेम बन गई, अन्नी मचा देंगे वहां। यहाँ आए, यहाँ आए, ये फ्लिप हुआ, और ये आए, ये फ्लिप हुआ, और आ जा भाई आ जा, ओए होए होए, सही है, हमारी जी गेम बन गई है। अगर आप ये मैंने एक लेवल बना दिया, आप चाहे तो इसकी मल्टीपल लेवल बना सकते हैं, जितने भी लेवल आप आना चाहे बना सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, और कोई मसला या कोई सवाल वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, स्टॉप रिकॉर्डिंग।